तो जी स्वागत करता हूँ आपका मैं अपने YouTube के चैनल के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर। मैंने इतनी जबरदस्त वीडियोस बना रखी हैं, 6-7, उन सबको कंबाइन कर दिया है, घुंगरू बना दिया है उसका, और आपके लिए पेश कर रहा हूँ सारी की सारी वीडियोस। अगर आप Instagram से आ रहे हैं भाई, फॉलो कर लें। यहाँ पे थोड़ी सी सीरियस बातें होंगी, शॉर्ट्स वगैरह यहाँ पे भी डालते रहते हैं हम, बट 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट चैट जीपीटी के ऊपर मैंने डाला है। इसमें बहुत सारी वीडियोस को कंबाइन करा आपके लिए। इसमें फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे नए टूल्स हैं, बहुत सारे नए प्रॉम्प्ट्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको चैट जीपीटी में आनी चाहिए 2024 के अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1.5 घंटे की वीडियो को देखें, सीखें ई कॉमर्स ऐप से लेके मल्टीपल आइडियाज तक कैसे जाना है, डीएसए को कैसे करना है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जो भी आपका पढ़ने का मन है वो चैट जीपीटी से कैसे पढ़ सकते हो, आज की दुनिया में फ्री का टूल है, कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी तो ये है भाई, सब्सक्राइब कर लें, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, और बहुत बहुत प्यार है आप सभी को, इतना ज्यादा प्यार देते हो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को, डीएम्स में जॉब्स लग रही हैं बहुत सारे लोगों की, तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। और मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो को देखें, नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इसी इंट्रो के साथ, ऑब्वियसली पूरी वीडियो में तो मैं ही हूँ, जाके चेक कर लें। स्वागत है जी आपका चैट जीपीटी के एक जबरदस्त वीडियो में। हम इसमें फुल स्टैक ऐप बनाने वाले हैं, बहुत सारी ऐप्स बनाएंगे और चैट जीपीटी को देखेंगे, चैट जीपीटी से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डॉक मैं क्रिएट कर लूंगा, एक डॉक क्रिएट कर लेता हूँ साइड में और इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ, और इसमें क्या क्या चीजें बना सकते हैं सारे को डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलते हैं, देखेंगे क्या क्या चैट जीपीटी से बना सकते हैं अपन इस पूरी वीडियो में। तो पहले मैं क्विकली आपके साथ ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करूंगा, हल्की फुल्की लंबी वीडियो हो सकती है। तो पहले तो पर्सनल वेब पेज ही बना दो भैया, ठीक है, आस्क मी 3 क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट एवर यू नीड टू नो। तो ये एक सिंपल तरीका है बनाने का। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया तरीका, ठीक है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड एन एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्रिएट अ पर्सनल पोर्टफोलियो इन HTML, CSS, JavaScript, सेंटर एवरीथिंग एंड एड इमेज प्लेस होल्डर्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, एड सेक्शंस फॉर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड अबाउट मी, ठीक है। तो ये आपको बना के दे देगा, तो इस चीज को फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। और इसको खत्म होने के बाद मैं आपको वीएस कोड में लाइव कोडिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाइव भी आप इस चीज को कर सकते हो। तो ऐप भी देखेंगे बनती हुई, लाइव भी देखेंगे, सारी प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको मैं इसमें सिखाता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, देखो जी, तो ये हमने बना दिया, ठीक है। और इसमें अगर हम इसको, रुक जाए एक सेकेंड, इसको यहाँ पे पर्सनल और एचटीएमएल राइट में खोल ले, लेफ्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, हमने HTML CSS को कॉपी पेस्ट करा चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी में लिखा हमने ये ऐसे ऐसे कर दो और कॉपी पेस्ट कर दिया, हमारा पोर्टफोलियो का बढ़िया रेडी हो चुका है, डिग्री वगैरह। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि एड अ कार्ड फॉर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, ईच प्रोजेक्ट एंड और ईच एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट, तो एक कार्ड बना के दे देगा आपको, ठीक है। अभी तो चैट जीपीटी 3.5 है, 4 को यूज करोगे तो और बेहतरीन आएगा। तो अबाउट मी में आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन, तो पर्सनल पोर्टफोलियो आपका भाई यूं मिनटों में क्रिएट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपकी पूरी हो गई, इसके अंदर टेलमेंट चीज है, जैसे मैं लगाओ, अलग अलग अपने आइडिया शेयर करो, अलग अलग चीजें बनाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा, बहुत ईजी है। कार्ड भी बना के दे दिया होगा भाई ने, तो कार्ड भी अपना ये डिप कार्ड वार्ड प्रॉपर बना के दे दिया, तो ये भी यूज कर लेते हैं। वैसे तो पूरा कोड कॉपी पेस्ट या पूरा कोड नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर है, तो ये ले लिया इसने, ठीक है। और इमेज आ गई आपकी, अब आप इसको क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल इमेज वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, चेंज द स्टाइलिंग ऑफ द एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट कार्ड, मेक इट हॉरिजॉन्टल विद द इमेज ऑन द लेफ्ट, जस्ट गिव मी द कोड फॉर दिस। तो ये सिर्फ इसका कोड दे देगा, ठीक है भाई। तो कार्ड को यूज करो, कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा अपना कार्ड का जो ये है, इसमें H3 ये P राइट में आ जाएगा, और अपना जो स्टाइलिंग है वो सेंटर वेंटर में हो जाएगा। पूरा ही दे दिया मेरे को तो लग रहा है इसने, पूरा ही दे दिया। बट हाँ, पूरा देने के बजाय यू नो यू कैन डू
जस्ट दैट वो क्यों नहीं दिया इसने वो नहीं पता मुझे, तो ये करते हैं सेव, चेक करते हैं इसका, तो इसने ये दे दिया, बहुत बढ़िया, इसको आप और अलाइन वालाइन कर सकते हो, आपका पहला प्रोजेक्ट हो गया रेडी विद इन मिनट्स, तो चैट जीपीटी यूज करके आपने ये बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, क्रिएट अ वेदर ऐप इन जावास्क्रिप्ट विद अ फ्री एपीआई। पहले लिखते एक एपीआई ऐप बनाते, क्रिएट अ एन एपीआई ऐप इन HTML CSS JavaScript, कीप ऑल द थिंग्स इन द सेम फाइल एंड यूज अ फ्री फ्री एपीआई। देखो ठीक है, तो ये करते हैं, तो सेकंड हमारा प्रोजेक्ट आज का हो गया एपीआई। दो दो 5-5 मिनट के प्रोजेक्ट है भाई, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, जोक की एपीआई लिया हमने, जोक की एपीआई ले लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं आज का प्रोजेक्ट 2.html। तो ये यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है जी, इसको अपन प्रोजेक्ट 2 खोलते हैं और ये आ गया आपका, क्लिक द बटन पे आपका आ जाएगा, कुछ ना कुछ आना चाहिए, जो कंटेनर में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है, एरर फेचिंग जोक, इसको खोल लेते हैं, ये खुलता है कि नहीं, इसमें क्या एरर दे दिया, कनेक्शन प्राइवेसी की दिक्कत आ रही है, गेट जोक फंक्शन कॉल हो रहा है, जोक को टेक्स्ट डेटा डॉट वैल्यू डॉट जोक, जोक टेक्स्ट एरर आ गया, तो कंसोल देख लेते हैं फटाफट, इसमें डिबगिंग करनी पड़ती है अगेन, क्योंकि ये एक, हाँ तो फेल टू रोज, ओके ये आई थिंक फेल हो रहा है, रैंडम 1, प्राइवेसी एरर क्यों आ रही है भाई इसमें, यूज सम अदर एपीआई, इसमें आई थिंक मुझे ऐसा तो नहीं, ऑथेंटिकेशन वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बस उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्विकली देखते हैं कि हम प्लेस होल्डर या कोई और एपीआई यूज कर पाए कि नहीं कर पाए, हमें तो बस ये देखना है कि भैया एपीआई चलनी चाहिए, उसमें कॉर्स वॉर ये वो सो लफड़ेबाजी है ना, तो ये आगे देखो, तो ये दिस इज एन एपीआई ऐप, आपकी सेकंड ऐप भी तैयार हो गई। अब हमने क्या करा, देखो हमने क्या करा, ये दोबारा रीलोड करते हैं, क्लिक द बटन टू गेट यूजर इन्फॉर्मेशन, ये एपीआई से कॉल कर रहा है, एपीआई कहीं स्टोर्ड है, जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड यूजर्स की स्टोर्ड है 1, तो यूजर पे जाओगे, देखो यही तो डेटा होता है, डेटा इज ऑल्सो एपीआई पे भी डेटा होता है, यूजर्स में ये सारे यूजर्स स्टोर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, इसी के तरीके से आपके फुल स्टैक में स्टोर्ड होंगे, ठीक है जी, आपका ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3 कुछ भी है, इसमें हमने यूजर्स, इस एपीआई पे कॉल करोगे तो सारे यूजर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये भी करते हैं, फेच ऑल यूजर्स अंडर दिस फॉर्म, तो ऑल यूजर्स करते हैं, तो वो क्या करेगा, ऑल यूजर्स वाला भी हमें दे देगा कोड, तो सिर्फ चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे आज हम, ठीक है, डेटा फॉर ईच वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, तो ये कर लेते हैं अभी कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट करा तो क्या आ गया, गेट ऑल यूजर्स आ गया, सारे यूजर्स आ गए हमारे पास। अब हम बोलते हैं कुछ और हमें करवाना है कि भैया इसको टेबल वेबल को सेट करना है, कोई CSS वगैरह लगानी है, बढ़िया वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, एड सम गुड स्टाइलिंग टू द फेच्ड यूजर्स एंड मेक इट अ टेबल, ये टेबल बना लेते हैं भाई, तो अभी देखो फुल स्टैक ऐप आपको बना के दे रहा है भैया, फुल स्टैक ऐप आपको बना के दे रहा है चैट जीपीटी, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं ना भाई नौकरी की, तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी थी बहुत पहले, तुम्हारी तो चैट GPT 1 पे खत्म हो गई थी भाई, अब तो 4 आ गया, अब तो 5 आ गया, ठीक है, तो ये देखो ये बन गई चीज, ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके पास, अब हम क्या करते हैं इसका ये ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, ले लिया कि भैया ये सेकंड ऐप है हमारी आज की, ठीक है, प्रोजेक्ट 2 आ गया हमारे पास, तो इसमें नेम ये वो, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और चीज करी जा सकती है, गेट यूजर 1 अगर लेना हो तो इसके बारे में और भी डिटेल है ना, स्ट्रीट सूट सिटी जिप कोड ये वो, ठीक है, ये और भी डिटेल है एक के बारे में, तो अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि एड अ बटन नेक्स्ट टू द यूजर्स फॉर फेचिंग देयर इंडिविजुअल डेटा, ठीक है, आप कोई बोलिए कि भैया उस पर क्लिक करके हमें 1 का यूजर और दिखाओ, 2 का और दिखाओ, 3 का और दिखाओ, 4 का और दिखाओ, तो वो भी कर सकते हैं, उसके बटन पे एक एक और दिखा भैया, ठीक है, अब ये क्या करेगा, बटन बना दिया, बटन के बाद गेट यूजर डेटा कॉल करेगा, वो आ जाएगा उसका डेटा, अब देखो कमाल, तुम चैट जीपीटी का कमाल देखो, ठीक है, ये आया गेट ऑल यूजर, आया व्यू के बाद, ये देखो व्यू आ गया सारा डेटा, व्यू
तेरी व्यू व्यू व्यू, ठीक है, ये ऐप बन गई आपकी पूरी खतरनाक चैट जीपीटी से। एक और इसमें काम कर सकते हो, लेफ्ट में देखो अलर्ट में आप क्या डाल सकते हो, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट फोन। डेटा डॉट फोन के साथ साथ क्या है यहाँ पे, डेटा डॉट एड्रेस है फोन का, हाँ तो डेटा डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, डेटा डॉट वेबसाइट है तो वेबसाइट चेंज करते हैं यहाँ पे। तो वेबसाइट चेंज करी, गेट ऑल यूजर्स व्यू करा, वेबसाइट आ फोन की जगह वेबसाइट आ गई। अच्छा अब इसमें एक और चीज देखो, रिफ्रेश करने पे हमें दोबारा फेच करना पड़ रहा है ना, ये भी चैट जीपीटी पे लिख दो, ये भी चैट जीपीटी पे लिख दो, द डेटा गोज अवे व्हेन आई रिफ्रेश द स्क्रीन, हाउ डू आई फिक्स इट, कैन आई यूज लोकल स्टोरेज, ठीक है, ये भी ये बता देगा, देखो कितना स्मार्ट है। तो ये कोर्स करने, इसके छोटी मोटी चीजों के कोर्स कहाँ करते घूम रहे हो भाई, ये चीजें तो 10-15 मिनट की हैं, इन चक्करों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये तो लोकल स्टोरेज करते थे, लोकल स्टोरेज क्या करे, देखो सेट आइटम कर रहा है और गेट आइटम कर देगा। तो ये चीजें बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये तो सिर्फ अगर यहाँ भी टाइम स्पेंड कर लोगे ना थोड़ा तो भी आ जाएगा। देखो ये करा, नहीं आया नहीं आया, धोखा दे दिया इसने, ये सेट नहीं करा इसने, लोकल स्टोरेज पे सेट भी तो करना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज चेक करते हैं भाई, लोकल स्टोरेज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, लोकल स्टोरेज तो बस इसने गेट यूजर डेटा, सिर्फ एक यूजर का डेटा क्यों सेट कर रहा है। देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें ये करना पड़ेगा कि जब हम फेच कर रहे हैं ना, तो फेच करने से पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, चेक इफ लोकल स्टोरेज हैज द आइटम, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। या फिर हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, रिएक्ट में जो यूज इफेक्ट होता है, यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हाउ टू गेट दिस डेटा व्हेन द पेज लोड्स फ्रॉम द लोकल स्टोरेज एट दैट, ठीक है, तो ये करवा लेते हैं। तो इसमें चैट जीपीटी के साथ साथ आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, कि कैसे इससे काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, तो ये आप कर लो। तो ये आपका हमारा हो गया भैया सेकंड प्रोजेक्ट आज का, ठीक है। तो एपीआई सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, ये सीख ली, वो सीख ली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 के ऊपर, प्रोजेक्ट नंबर 3 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होगा क्लाइंट रिलेटेड कैलेंडर विलेंडर डालने का, कि भैया आपको किसी क्लाइंट रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब इसमें आप देख लेना सेट आइटम, ये वो डिस्प्ले डेटा वगैरह, ब्ला 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 ब्ला, जो भी चीजें हो रही है वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा एपीएस का सिस्टम सारा क्रिएट हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं, भाड़ में जाए बाकी चीजें, भाड़ में जाए एआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्रिएट अ, देखो एक्ट एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट डेवलपर एंड एन ए आई एक्सपर्ट भी लिख देते हैं, इंग्लिश गंदी है कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू मेक एन ऐप विच कॉल्स द ओपन ए आई चैट जी पी टी ए पी आई एंड गिव्स मी अ जोक बेस्ड ऑन माई इनपुट, गिव मी अ सिंपल एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट ऐप फॉर दिस। एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट की आप आपने क्रिएट कर ली, तो आपका ये प्रोजेक्ट भी बन गया। अब इसको एक्सपैंड करते जाओ, एक्सपैंड करते जाओ, पूरा दिन बैठे रहो, एक्सपैंड करते जाओ, एक्सपैंड करते जाओ, एक्सपैंड करते जाओ, ठीक है, तो उसी में आपका सिस्टम चलता रहेगा। गिव द कोड इन अ सिंगल फाइल, सिंगल फाइल में कोड ले लेते हैं भैया। इसके बाद हम कैनवस की ऐप बना सकते हैं, हम बहुत सारी ऐप बना सकते हैं, सारे आइडियाज देखते हैं आज क्या क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने पर्सनल पोर्टफोलियो का बना लिया, ठीक है, वो आप बना सकते हो। इसी के साथ क्लाइंट पोर्टफोलियो बना सकते हो, आपको बनाना है, ठीक है। कंपनी पेज बना सकते हो, ये हमारे हो गए। सेकंड हमने एपीआई के लिए, तो एपीआई में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वेदर आ गया, इसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं इसके ऊपर, हमने वो भूल गए। तो इसमें आ गए आपके बीएमआई कैलकुलेटर, ठीक है, वेदर, कुछ भी कैलकुलेशंस वाले, ठीक है, लोन कैलकुलेटर बनाना है, लोन्स एंड फाइनेंस, ऐसा कुछ बना सकते हो, एटसेट्रा, जिसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। वेदर एपीआई में हमने जेसन एपीआई प्लेस होल्डर यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप रेस्टोरेंट की एपीआई यूज कर सकते हो, ठीक है, फंड रेजिंग एपीआई यूज कर सकते हो, डोनेशन एपीआई यूज कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे, गेट स्टार्टअप न्यूज हमने बनाई थी वो यूज कर सकते हो, एंड देन मल्टीपल चीजें। एआई की ऐप हम बनाने वाले हैं जिसमें हम ओपन एआई की एपीआई को यूज करेंगे, देन हम कोडिंग एआई की एक ऐप बनाएंगे, ठीक
है ना, जिसमें हम SQL को चूज कर सकते हैं, SQL ये सारी चीजें हैं। एंड देन हमने इसमें क्या क्या सीखा कि API वाले में हमने लोकल स्टोरेज भी सीख ली, वो भी हम ठीक है कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ChatGPT से हम सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। ये वाली वीडियो बड़ी खतरनाक आपको मैं सिखाने के लिए बना रहा हूँ, है ना। और ये हम करते हैं, देखो हमने ये करा और हमने इसको लाइव सर्वर में चला देते हैं फटाफट। प्रोजेक्ट 3 को हमने लाइव सर्वर में जोक जनरेटर बना दिया, टॉपिक हमने लिखा प्रोग्रामिंग, है ना, और हमने गेट जोक क्रिएट कर दिया। तो पहली बात तो ये, इसने सब कुछ अपने आप क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ क्रिएट कर दिया, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है, लेफ्ट में देखते हैं फटाफट, API की हमने डाली, URL का कौन सी कॉल कर रहा है, V1 कॉल कर रहा है। देखो V1 इंजन डाविंची कॉल कर रहा है, हमें तो ChatGPT कॉल करनी है, ChatGPT कॉल करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी क्योंकि एक लेटेस्ट चीज है, ChatGPT को ये नहीं मालूम है। 21 में 21-22 का डेटा है इसके पास, तो ये इसको नहीं मालूम है, ठीक है। अब हेडर वेडर इसने बना दिया, तो बॉडी में क्या है कि यहाँ पे बॉडी में इसकी जगह मैसेजेस डाले जाते हैं, तो ChatGPT की API पे जाना पड़ेगा हमें, राइट। तो ChatGPT कि API पे जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या सिस्टम वहां पे चलता है। नोड जेएस का सिंपल सा है ना, तो गेट स्टार्टेड में जाओगे तो अब ये साइन अप वाइन अप करवा रहा है। बट मोटा मोटा उसमें ये होता है कि आपको वो बॉडी के अंदर डेटा पास कर दो एंड आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स आपको शो करना है बस, जस्ट लाइक एन API। API भी तो फेच कर रहे हैं, ये भी फेच कर रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। तो उसमें बस हमें ये देखना है बॉडी में क्या डालना है। बॉडी में जेसन डलेगा, मैसेजेस डलेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें हेडर बॉडी की जगह कोई अरे डल रहा हो, कुछ और डल रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग। तो AI की सिंपल ऐप आप ये बना सकते हो। अभी हमें कितनी सारी आप ऐसी ऐप बना सकते हो, देखो ठीक है। जोक जनरेटर बना दिया हमने, ठीक है, जोक क्रिएट कर दे बाबू, ट्रिप जनरेटर बना दिया। तो ये सारे प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट रिलेटेड ऐप्स, प्रॉम्प्ट रिलेटेड ऐप्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट रिलेटेड ऐप्स, ठीक है। गिव मी 10 AI प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर प्रॉम्प्ट रिलेटेड एप्स, तो बता देगा ये। आप देखो देखो, कंटेंट क्रिएशन असिस्टेंट, कोडिंग प्रॉम्प्ट चेकर, रेज्यूमे बिल्डर, ये वो, यही बता देगा भाई, यही बता देगा, ठीक है। ये देख दो, एक्सपैंड ऑन नंबर 8 एंड गिव मी द स्टेप्स टू क्रिएट इट। तो ये देखो, मेंटल मेंटल हेल्थ असिस्टेंट है, जर्नलिंग असिस्टेंट, ये बता देगा कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव बनाओ, UI बनाओ, कैलेंडर व्यू बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, फलाना ढिमकाना सब बना देगा, सब बना देगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका सिंपल है, AI का प्रोजेक्ट भी बन गया, ठीक है। तो ये बना दो, प्रोजेक्ट 4 बना लेते हैं अभी। प्रोजेक्ट 4 बनाते हैं हम, लेट्स से शेड्यूलिंग की आपको कोई बहुत तगड़ी ऐप बनानी है, cal.com को खतरा देना, cal.com को खतरा देना आपको, ठीक है। वो करते हैं, देखो, एक्ट एज अ एन एक्सपर्ट प्रोग्रामर, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक अ कैलेंडर शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग ऐप वेयर पीपल कैन फाइंड द टाइम स्लॉट्स ऑन माई कैलेंडर एंड देन क्लिक टू शेड्यूल इट। गिव मी अ सिंपल HTML CSS JavaScript वर्जन फॉर दिस। तो ये कर लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इसमें ऐसी होती है, देखो कि हमने पहले उसे रोल दिया, उसे बताया क्या क्या करना है, उसके बाद बता दिया कि भाई ये हमें दे दे। अब देखो ये कितना इसने आसान कर दिया, कितना इसने आसान कर दिया कि ये इसने अपने आप दिया कोई चीज बना के ना, अपने आप कोई चीज दिया। प्रोजेक्ट हम फोड़ लेते हैं, तो ये देखो टाइम स्लॉट दे दिया, शेड्यूल कर दिया देखो, है ना, टाइम स्लॉट दिया 11 से 12, शेड्यूल कर दिया इसने अपने आप। अब ये क्या कर रहा है, 11 से 12 वाला हटा दिया इसने, देखो 1 लिया, 1 से 2 हटा दिया, 2 लिया, 2 से 3 हटा दिया। अब अभी देखो क्या कर रहा है ये देखो क्या कर रहा है ये, अब शेड्यूल टाइम टाइम्स डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, टाइम स्लॉट्स लिए, क्लास लिस्ट में ऐड करा, इवेंट लिस्ट में ऐड करा, क्लिक में शेड्यूल टाइम, क्लिक करने पे शेड्यूल हो रहा है, शेड्यूल में हमने दिखा दिया, और टाइम स्लॉट्स में स्प्लाइस कर दिया, उसे हटा दिया टाइम स्लॉट वो उस टाइम के लिए, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिक हो गया, रिफ्रेश करोगे तो ऑब्वियसली आपको सारी चीजें वापस मिल जाएंगी, ठीक है। 2 से 3 वाला शेड्यूल करा, शेड्यूल करने के बाद क्या करा, यहाँ पे स्प्लाइस करके और दोबारा दिखा दिए, दोबारा दिखा दिए। अब आप देखो ये चीज आप इतनी जल्दी बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें लेट से हमें एक शेड्यूलिंग की सच में ऐप बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमें शेड्यूलिंग की सच में ऐप बनानी है, ठीक है। तो हम उसे कैसे प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, पहले तो हमें सोचो हमने शेड्यूलिंग की ऐप बनानी है cal.com की तरह, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ऑथेंटिकेट वगैरह करेंगे, वो बड़ी ऐप बनेगी, ठीक है, ऑथेंटिकेट करेंगे।
गेट द टाइम स्लॉट्स, ठीक है, फॉर द यूजर, जो भी हमें यूजर हैं हम, तो हमारे टाइम स्लॉट ले लो बाबू, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद अलाउ द कस्टमर टू सिलेक्ट, अलाउ द कस्टमर टू फिल अ फॉर्म, ठीक है, अलाउ द कस्टमर सेंड एन ईमेल, सेंड एन ईमेल टू द कस्टमर, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, पहली पहली 1 सेकंड में उसने ये कर दिया, 1 सेकंड में ये दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो इसको और बोलते हैं, गिव मी अ कैलेंडर लाइक यू आई फॉर माई टाइम स्लॉट्स, कीप अ सिंपल वीकली व्यू, ठीक है, ये कर दो। अब इसमें शैड सी एंटेलमेंट वगैरह आप करवा सकते हो, ठीक है, तो वो करवा लो, ठीक है, वो भी आप करोगे, बट ये सब बना के दे देगा आपको, कैलेंडर टाइप का व्यू बना के देगा, बढ़िया। टाइम स्लॉट इवेंट लिस्नर ये वो करेगा इसमें, ठीक है, ये कर सकते हो कि भाई लॉजिक सेंडिंग द शेड्यूल्ड स्लॉट टू सर्वर डेटाबेस, ये वो, तो सर्वर डेटाबेस भी बनवा सकते हो अलग से, अलग से सर्वर डेटाबेस भी बनवा सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका मंडे ट्यूजडे, ये वो, ये देखो ये हो गया, कुछ ना कुछ और खेल खेला है इसने, इसने कि ये बंद करके यहाँ पे कुछ और करवा सकते हो, आप देख रहे हो कुछ ना कुछ ये खेल खेल रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, अब ये करते हैं, पुराने वाले ही रखते हैं, पुराने वाले ही रखते हैं हम। हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद शेड्यूल्ड आ गया, शेड्यूल्ड के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये देखो हम क्या करते हैं, पीक द प्रीवियस वर्जन एंड एंड आस्क फॉर अ यूजर इनपुट, इनपुट फॉर देयर ईमेल, देन सेंड द ईमेल विद द टाइम स्लॉट्स। तो ईमेल और ये मेन फंक्शनैलिटी हम बना के बैठे हुए हैं, हमें बस इसमें यूजर वूजर डालने, मेन फंक्शनैलिटी हम बना के बैठे हुए हैं कि बाबू भैया हमने बना लिया है। अब ये क्या करेगा, ईमेल वीमेल का भी सिस्टम सेट कर देगा, देखो सेट कर दिया इसने, ईमेल भी सेट करेगा, ईमेल कंटेंट अलर्ट, ईमेल वगैरह, ईमेल सेंड कर दिया। अब ईमेल का ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो ईमेल का भी कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, वो भी आसान है, वो अगली, वो उसमें देख लेते हैं, अगली ऐप में देखते हैं, वो देखो अगली अगली ऐप हमारी वो होगी, देगा हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करा, ईमेल करा राठौरिया, ईमेल करा, वी हैव शेड्यूल 10 AM टू 11 PM, तो भाई बन गई ऐप, बन गई कैलेंडर शेड्यूलिंग भी बन गई, कुछ कुछ चीजें ऐड करनी है, 5 मिनट में इतना बन गया, सोचो 5 मिनट में आपकी ऐप रेडी है। इसके ऊपर कितना भी कर लो आप, कितना भी बनाते रहो, सर्वर बना लो सिंपल सा, ईमेल वीमेल डालते रहो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ईमेल की आप दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बनाते हैं, ठीक है जी, इसको बंद करते हैं, नया बनाते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक अ सिंपल ईमेल ऐप विद HTML, CSS, JavaScript. गिव मी एन इनपुट फॉर ई मेल, द कॉन्टेंट एंड अ बटन विच आई कैन यूज टू सेंड ई मेल्स, एड द ई मेल सेंडिंग कैपेबिलिटीज टू दिस, तो बना देगा इस हालांकि इसको सपो आता है भाई, सब आता है, ये छोटी मोटी चीजें हैं भाई, इसके लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है किसी को, तो इससे बहुत आगे की चीजें हम सिखा रहे हैं। अब देखो ये देखो एजेक्स कॉल है ना, अब यहाँ पे देखो ये कॉन्सोल लॉक कर रहा है, तो वट ई मेल सर्विस कैन आई यूज इन सिंपल, तो ये लिखो, तो ये बताएगा, ठीक है, क्या करेगा, सर्वर साइड का नोड मेलर है, नोड मेलर भी डाउनलोड कर लिया इसने, सर्वर क्रिएट करा, server.js, तो ये आ गया, तो ये बन गई आपकी सिंपल सी, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करना, नोड मेलर है, नोड मेलर पे जाके साइन इन कर लो, नोड मेलर पे जाके साइन इन कर लो, बस खत्म कहानी। तो नोड मेलर पे गए, नोड मेलर पे गए भैया, नोड मेलर पे साइन इन कर ली, नोड मेलर NPM का पैकेज है, मुझे तो ऐसा लग रहा है NPM का पैकेज है भैया, नोड मेलर नोड जेएस से सेंड कर दिया, तो ये भी कर लेते हैं भाई, वाई नॉट, ये भी करते हैं, NPM init y करा, ठीक है, और NPM इंस्टॉल करा, server.js में कोड डाला, लो जी बाबू भैया कोड डाला, रिप्लेस कर दिया यहाँ पे जीमेल फीमेल में, और क्या करा, HTML CSS कहाँ भैया इसका, HTML CSS में एजेक्स की कॉल मार दी, एजेक्स से कॉल मार दी, बस हो गया भैया काम तुम्हारा। अब बताओ क्या करोगे जी बाबू भैया, एंड योर ईमेल पासवर्ड विद योर एक्चुअल जीमेल क्रेडेंशियल,
स्टोरिंग इन योर कोड इज नॉट सिक्योर, यू शुड योर एनवायरमेंट एंड ये ब्ला 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 ब्ला। ईमेल की ऐप रेडी है, अब इसी ईमेल ऐप को आपको आगे कनेक्ट करना है, फंक्शन ही तो कॉल करना है, जो भी आपकी बड़ी ऐप है उसके अंदर ही फंक्शन ही तो कॉल करोगे। अब ये सेम चीज रिएक्ट में करो, एंगुलर में करो, कहीं भी करो, फंडामेंटल तो सेम है, नोड जेएस का है, फंडामेंटल बैकएंड नोड जेएस ही है, बाकी कुछ भी करते रहो। यहाँ पे एक्सएमएल एचटीटीपी की जगह फेच के फंक्शन आ जाएंगे, और इससे ज्यादा तो क्या ही अलग होगा, कुछ भी अलग नहीं है भाई। या एसडी के आ जाएगी अलग अलग, जो भी आप यूज कर रहे हो, मेल चेम ये वो फलाना ढिमकाना, हो गया जी। ठीक है जी, ईमेल की ऐप भी आपकी रेडी है, पांच आपके प्रोजेक्ट पूरे रेडी हो चुके हैं, ईमेल की ऐप भी आपकी रेडी हो गई है, सेंड करो ईमेल, वीमेल सेंड करो, बढ़िया बनाओ, कुछ भी ईमेल आप ऐड कर सकते हो। चैट जीपीटी को यूज कर करके हमने बहुत सारी चीजें बना दी हैं, और आप भी, आपके साथ मैं बहुत शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको ये पसंद आई है तो नीचे कर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बहुत सारी और हम ऐप्स ऐसी बनाते रहेंगे। डीएसए की खूब सारी सीरीज आ रही है, इसको भी चेकआउट कर लें आप, हमारे चैनल के ऊपर कोर्सेज लेने नीचे डिस्क्रिप्शन से। मिलेंगे भैया अगले वीडियो में, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। चैट जीपीटी से ये बना रहे हैं हम फुल स्टैक एप्लीकेशंस, हमने पांच प्रोजेक्ट्स बनाए थे पिछली वीडियो में, हम पांच और बनाने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत बेहतरीन। क्विकली मैंने छोटी सी लिस्ट बना लिया पांच चीजों की, फायरबेस सुपरबेस, इसमें मैं और भी चीजें डालने वाला हूँ, फुल स्टैक डाल देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब लेट से आपको बहुत बेसिक सी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी है, लेट से आपको नहीं पता कैसे होती है। पाइथन बहुत स्ट्रॉन्ग है चैट जीपीटी की, आपको समझ जाएगा, क्योंकि बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इसमें ये ट्रेन हो रखा है, तो आप पाइथन यूज कर सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो, गिव मी अ फुल स्टैक ऐप इन पाइथन यूजिंग फ्लास्क। तो ये आपको सिंपल सी फ्लास्क एप्लीकेशन दे देगा, जिसमें सर्वर बनाएगा, आपको फ्लास्क इंस्टॉल करना है, ठीक है, ऐप डॉट पी वाई में ये डालना है, और बाकी आप यहाँ पे डाल सकते हो टू डू लिस्ट, ये दिखा देगा आपको एचटीएमएल में, एचटीएमएल में इस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसे, ठीक है। सिंपली आपका इससे काम चल जाएगा, और ये देखो रेंडर करेगा ये टेम्पलेट यहाँ से, और ऐड करेगा यहाँ से। अब देखो, अब लेट से कहते हैं यूज अ डेटाबेस इन फ्लास्क, तो ये आपको डेटाबेस भी बता देगा कैसे यूज करना, तो डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, एसक्यूएलआईट डाउनलोड कर लो, फ्लास्क एसक्यूएल है ना। टास्क यहाँ पे डीबी में कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, कॉलम के लिए आप यह कर सकते हो ये सारी चीजें, और एचटीएमएल सीएसएस में कॉल कर सकते हो। गिव मी द यूआई, कंप्लीट यूआई फॉर दिस, वेयर आई शो द टू डूज एंड कैन ऐड अ टू डू। तो सिंपल टू डू ऐप है, बट ये फ्लास्क जैंगो से बनी हुई है, तो बड़ी बेहतरीन फुल स्टैक एप्लीकेशन आपकी निकल के आ जाएगी। CSS सारा दे देगा, आप सारे टू डूज दिखा सकते हो यहाँ पे, एंड देन कॉपी पेस्ट अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, शो विद लाइव सर्वर करते हैं, तो आप इस चीज को देख पाओगे इजीली कि टू डू लिस्ट हमारी बन गई है। हाँ, ये ऑब्वियसली यहाँ नहीं चलेगा, ये वाली चीज आई डोंट नो ये क्यों दे रहा है, मुझे इतना नहीं पता कि ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रिएक्ट तो है नहीं, ये है HTML। तो भैया दिस डज नॉट वर्क इन HTML, ठीक है जी। तो उसने अपोलोजाइज कर लिया हमारे लिए, और अब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर है, जिंजा टू क्या है यार, जिंजा टू तो मैंने भी नहीं सुना है, तो ये भी हमें नई चीज दिखी है कोई, कि जिंजा टू कुछ और है, टेम्पलेटिंग इंजन है। ओके, तो ओके, टेम्पलेटिंग इंजन है, फ्लास्क के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो, जेएसएक्स की तरह ही है, दिस इज जस्ट लाइक जेएसएक्स, राइट। तो अगर जेएसएक्स नहीं यूज करना, गिव मी द कोड विदाउट जिंजा एंड प्लेन एचटीएमएल सीएसएस, ठीक है। तो अगर जिंजा यूज नहीं करना, तो वो कुछ ना कुछ आपको वो देगा फ्लास्क में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरीके से वो स्टोर होता है, बट हाँ ऐसा कुछ आप डेफिनेटली कर सकते हो कि भैया टास्क निकाल लिया आपने, एंड देन टास्क वगैरह आप यहाँ से अपेंड कर सकते हो। बट अगेन, अब इसमें क्या है कि एजेक्स टू कम्युनिकेट यू माइट वांट टू यूज एजेक्स, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर दो। तो चैट जीपीटी में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपको ये सीखनी है, मल्टीपल चेन करते रहो करते रहो करते रहो, और टाइम स्पेंड करो, और इसमें देखो और सारी चीजें देखो, इसमें जितना टाइम लगाओगे उतना आपका फायदा होगा। देखो फेच मारेगा ये यहाँ से, ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी आ जाएगी कि फेच मारेगा ये, और आपका नॉर्मली जो भी जब सर्वर रन हो रहा होगा तो उसी में से ढूंढ के टू डू निकाल के ले आएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक, जिसे कहते हैं कि फ्लास्क का बैकएंड बना सकते हो, सेम आप जेंगो में भी कर सकते हो। गिव मी अ जेंगो सर्वर फॉर टू डू एप्स विद अ डेटाबेस,
तो मोटा मोटा मतलब ये है कि फुल स्टैक अगर आपको क्विक एमवीपी या क्विक कुछ ऐसे डिप्लॉय करना है फटाफट, तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी और दूसरी ऐप्स निकल के आती हैं, जैसे जो डैशबोर्ड रिलेटेड ऐप्स होती हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं, वो सारी आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। वो सारी आप चीजें कर पाओगे यहाँ पे, और इस तरीके से आप चेक कर लें कि जो भी हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको इसी में बोनस एक और चीज दिखाता हूँ, वो है कि अगर हमें गैलरी ऐप बनानी हो कोई, अब गैलरी ऐप ये है कि गैलरी ऐप में इमेजेस हमें स्टोर करनी पड़ेगी, तो इमेज स्टोरिंग आप देखते हैं सेकंड, कि अगर हमें इमेज स्टोर करनी है तो हाउ टू, अच्छा, एक्ट एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट कोडर, आई वॉन्ट टू मेक अ गैलरी वेयर द यूजर कैन अपलोड इमेजेस, ठीक है। यूज फायरबेस और सुपाबेस फॉर इमेजेस एंड देन गिव मी अ सिंपल एचटीएमएल फॉर दिस ऐप। तो देखो बस सेकंड में आपका ये आ गया कि भैया प्रोजेक्ट अगर आपको ये बनाना है, गैलरी की ऐप बना लेते हैं, तो गैलरी की ऐप कैसे बनेगी, प्रोजेक्ट 7.html लिखते हैं, ठीक है। तो गैलरी की ऐप भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी कि इसमें आपको फायरबेस इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अपलोड इमेज का कोड डालना पड़ेगा, डिस्प्ले इमेज का कोड डालना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, एंड देन आप यहाँ पे सिंपली गैलरी शो कर सकते हो। तो मोटा मोटा आप ये देखो कि मोटा मोटा किस तरीके से चलता है ये वाला, वो ये होगा कि एक्सकैली अगर मैं खोलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि ये तो हमारा सिंपल टेक्स्ट आ गया, बट इमेज अपलोड वाली आप कैसे बनेगी, इमेज अपलोड वाली आप ऐसे बनेगी कि आपने पहले सिंपल सा फॉर्म लिया, फॉर्म के बाद आपने उससे वो भरवाया, फॉर्म में इमेज वगैरह ले ली, तो इसमें बहुत सारे आपके इनपुट फॉर्म होंगे, जो कि कहते हैं फर्स्ट इनपुट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपका इनपुट फॉर्म है। इसके बाद आपने अपनी ऐप आप के अंदर सारी इमेजेस को दिखाया, स्टोर कर लिया ऐसे कहीं ना कहीं आपने डेटाबेस में, तो ये डेटाबेस पे जाएगी पहले, है ना, और डेटाबेस से क्या होगा, डेटाबेस के बाद ये आपको ऐप आप में दिख जाएगी, बहुत सारी जो एप्स होंगी, बहुत सारी जो इमेजेस होंगी वो आपको हम एक कॉमन डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, एंड देन बहुत सारी जो इमेजेस होंगी वो आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी, ठीक है जी। तो ये आपकी गैलरी की ऐप हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि वर्सल की टेम्पलेट भी अवेलेबल है, तो वर्सल की आप अगर टेम्पलेट पे जाओगे ना, टीमो नहीं, हमें चाहिए वर्सल, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गैलरी की इमेज गैलरी स्टार्टर है, देखो तो एक इसमें बनी हुई है, क्लाउडिनरी पे बनी हुई है, तो नेक्स्ट ईयर क्लाउडिनरी टेलमेंट, तो इसका डेमो देखोगे तो डेमो में देखेगा आपको सिंपली ये एक गैलरी ऐप है, गैलरी स्टोर हो रखी है, एंड देन कैसे इसे बनाना है, क्लाउडिनरी की आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, तो ये इमेज गैलरी की आप प्रोजेक्ट बना सकते हो यहाँ से सिंपली पढ़ के, या फिर इनका कोड भी देख सकते हो, ठीक है। सुपाबेस का दिखाता हूँ फटाफट आपको मैं, सुपाबेस का स्टोरेज जो है, सुपाबेस का स्टोरेज कैसे है, तो अपलोड अ फाइल, अपलोड अ फाइल में देखेंगे तो आप अपलोड अ फाइल भी देख सकते हो, इसके डॉक्यूमेंटेशन ये भी बहुत आसान है ना, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, ये देखो इन्होंने तो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको कि आपने फाइल निकाली स्टोरेज फ्रॉम, ये टेबल बना रखी है और वहां पे अपलोड कर दी, ठीक है, डाउनलोड के लिए भी कुछ कुछ है ये वो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ इसको फायरबेस में बोलता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ एक इमेज आप चाहिए वो बना के दो, ठीक है, ओके जी। ये मैंने इसे दोबारा दे दिया, मैंने इसे ये नहीं बोला कि आप इमेज दो मेरे को, फायरबेस सुपरबेस के बिना बोल दिया, तो फायरबेस सुपरबेस के बिना कैसे देगा ये, देखो फायरबेस सुपरबेस के बिना कैसे ये क्रिएट कर रहा है, फ्रंट एंड सोल्यूशन दे रहा है आपको कि फाइल वगैरह इसने वो आई थिंक फाइल रीडर से बना दी, ये भी बढ़िया है भाई, ये भी ठीक चीज है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो इसने क्या करा, फाइल रीडर बना दिया है यहाँ पे, तो अगर हम इसे लाइव सर्वर पे खोलते हैं तो देखो ये ऐप बना के दे दी भाई ने, तो सारी की सारी, तो बाइनरी सर्च की इमेज अपलोड करी तो बाइनरी सर्च की इमेज आ गई, तो ये इमेज रिलेटेड ऐप हो गई कहीं ना कहीं, अभी इसे स्टोर नहीं करा गया कहीं भी, बट इमेज रिलेटेड ऐप हो गई कहीं ना कहीं, इसे लोकल स्टोरेज वगैरह स्टोर कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इमेज रिलेटेड, इमेज रिलेटेड आपको कुछ भी करना है, तो इमेज रिलेटेड में क्या आएगा, इमेज रिलेटेड में देखो क्या आएगा, आप इसमें थंबनेल मेकर बना सकते हो, ठीक है, वाईटी थंबनेल मेकर बना सकते हो, ठीक है, लोगो मेकर्स बना सकते हो इसकी मदद से, ये एक फीचर है बेसिकली, ठीक है, कैनवस मेकर बना सकते हो,
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें ना, तो ये सारा कुछ आप इससे पॉसिबल हो पाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 8 पे चलते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 8 में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कैनवस रिलेटेड ऐप कैसे बना सकते हो। साइनिंग ऐप, साइनिंग ऐप का मतलब ये है कि साइनिंग ऐप का मोटा मोटा मतलब ये होगा कि साइन करवाना है हमें, और साइन करवाने के साथ साथ हम उस कैनवस पे जो भी साइन करेगा उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखो डॉक्यू साइन हमारे पास है, ठीक है। डॉक्यू साइन ना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर मुझे अभी क्विकली साइन करना हो, मेरे को लॉग इन करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या क्या करना पड़ेगा अभी, राइट। अभी लॉग इन करो, लोड करो, ये करो, मुझे बस साइन डाउनलोड करना है अपना। तो साइन डाउनलोड कैसे करेंगे? साइन डाउनलोड करने का आइडिया आया मेरे पास, मेरे पापा को चाहिए था। एक्ट एज अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, आई वॉन्ट अ कैनवस ऑन अ आई वॉन्ट अ कैनवस इन द सेंटर विथ अ बटन बिलो इट। आई वॉन्ट टू साइन, आई वॉन्ट टू एड अ सिग्नेचर टू द कैनवस एंड देन डाउनलोड द साइन यूजिंग द बटन। गिव मी द कोड फॉर दिस इन HTML, CSS, JavaScript, ठीक है जी। तो ये आपको बना के दे देगा। इसका लाइव एग्जाम्पल भी मैं आपको बता सकता हूँ, quicksign.me, ये मैंने ही बना रखी है एप्लीकेशन। तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, पेज सोर्स लिया, कॉपी पेस्ट करा, और ये आपका जी पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। वैसे मैं ChatGPT भी दिखा देता हूँ। ChatGPT में भी आपको क्या है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इसमें आपको। इसमें एड लिस्नर सीखने को मिलेंगे, कैनवस कैसे बनता है, ड्रॉइंग ट्रू फॉल्स कैसे करनी है, कब ड्रॉ कर सकते हो, कब कर सकते नहीं कर सकते, लाइन जब आप ड्रॉ करके उठाते हो तो ड्रॉ नहीं करना है, बिगिन पाथ, एंड पाथ, ये सारी चीजें डाउनलोड करने के लिए कुछ कुछ है। तो अगर मैं Project 8 को ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये पूरी की पूरी ऐप मैंने ChatGPT से जनरेट करी हुई है। मैं आर्यन लिख सकता हूँ, सेव एंड डाउनलोड कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, टेक्स्ट कलर पिक कर सकता हूँ तो मैं रेड में कर सकता हूँ, ये मैं बैकग्राउंड पिक कर सकता हूँ तो मैं येलो बैकग्राउंड पिक कर लेता हूँ अगर, और टेक्स्ट कर लेता हूँ रेड पूरा, है ना, और फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ 20, तो मैं 20 पे कर पाऊंगा साइन बढ़िया। बैकग्राउंड भी मैंने पिक करा हुआ है, वो सेव कर सकता हूँ। सेव एंड डाउनलोड जब मैं करूंगा, क्लियर करूंगा, तो बस रिट्रीव भी कर सकता हूँ, रिट्रीव भी हो जाता है। अभी देखो पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन है भाई ये, रिट्रीवल, लोकल स्टोरेज, पिकर, सब कुछ है इसमें। पूरी UI है पूरा आपका, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है बढ़िया, सेंटर वेंटर में पिकअप है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं भी होगा तो चलता है, बट आप देख रहे हो किस तरीके से क्विक MVP डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम पे ChatGPT से, कितना जल्दी बना दिया मैंने। मतलब अभी तो कॉपी पेस्ट करा है, बट मेरे को मात्र मात्र इसमें 20-25-30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और एक आपके पास MVP रेडी हो जाएगा इसमें, क्लियर है। आप बैकग्राउंड चेंज करो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो मन आपका है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो साइनिंग ऐप भी आपकी यहाँ पे रेडी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज करो। क्विक साइन डॉट में आप बनाओ बढ़िया तरीके से, और इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसा जिसमें आप एक और फीचर प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, जो कि है क्रॉन जॉब्स। तो क्रॉन जॉब्स क्या, स्क्रैपिंग की बात करते हैं वैसे, पहले इससे बात करते हैं स्क्रैपिंग की। तो पाइथन स्क्रैपिंग, तो पाइथन और वेब स्क्रैपिंग क्यों काम करती है, स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रैपिंग दो चीजें काम करती हैं हमेशा, स्क्रिप्टिंग और स्क्रैपिंग, क्योंकि पाइथन एक ऐसी चीज है जिसमें स्क्रिप्टिंग बहुत फास्ट और एकदम बिल्ट इन लाइब्रेरीज है बहुत सारी, ब्यूटीफुल सी वगैरह आपने क्या अब तक सुनी हो, बट आपको बहुत हेल्प करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे housing.com या कुछ ऐसा स्क्रैप करना है, एक्ट एज अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्क्रैप housing.com where we have houses and sale, give me a python script to do so। अच्छा, अब इसमें मैं पाइथन स्क्रिप्ट में आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि पाइथन स्क्रिप्ट से बहुत सारी चीजें बनती है। तो वीडियो वीडियो रिलेटेड, तो इसमें वीडियो रिलेटेड में FFM पेल करके एप्लीकेशन होती है, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। माइक्रोफोन, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के आप बना सकते हो, फोन कॉल के आप बना सकते हो, जो भी करना है आपको वो बहुत सारी आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये housing.com को स्क्रेप नहीं कर सकता, बट आप ऐसा कुछ इसको दिखा सकते हो कि अगर आप housing.com पे जाते हो तो आप उनका ना HTML CSS दिखा सकते हो, तो आप HTML भेज सकते हो। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि इंस्पेक्ट करके जो भी डेटा आएगा इसका, तो इंस्पेक्ट मुंबई में हमने सेलेक्ट करा, और फीचर्ड में क्या करा हमने कि इंस्पेक्ट करके यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा कि ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, तो ये कॉपी करा हमने, कॉपी आउटर HTML करा, और यहाँ पे लिखा
ठीक है, नाउ गिव मी द स्क्रिप्ट टू स्क्रेप डेटा लाइक दिस, है ना। तो आपका बहुत मदद हो रही है, मतलब मल्टीपल टाइम्स में। अभी तो बहुत बड़ा आ गया एक्चुअली, तो बहुत बड़ा कॉपी हो गया, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको बहुत, आपको वो स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो आप करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि गिव मी अ जेनेरिक वेब स्क्रैपिंग स्क्रिप्ट इन पाइथन। तो ये आपको सिखाएगा, इसमें वेब स्क्रैपिंग सीखो आप, बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल सूप करेगा, ठीक है। कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेना पड़ता है, फाइंड ऑल कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें लिख सकते हो व्हाट आर अदर कॉमन मेथड्स लाइक फाइंड ऑल। तो ये देख सकते हो कि फाइंड ऑल की तरह और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो फाइंड आ गया आपके पास, डिव वगैरह लगा के, ए लगा के, क्लास लगा के, पी लगा के, तो कितना कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा स्क्रैपिंग के बारे में। पाइथन बहुत जबरदस्त है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स वही है कि आपको डेटा स्क्रैप करना है, कहीं से कुछ निकालना है, कुछ भी करना है आपको वो है। अगर स्क्रैपिंग में और इंटरेस्ट है तो और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, डेफिनेटली और भी एग्जांपल्स हमारे पास पड़े हैं, वो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। अब आते हैं एफ एफ एम पैक के ऊपर, ठीक है। गिव मी अ पाइथन स्क्रिप्ट टू फॉर अ वीडियो कॉलिंग ऐप विद एफ एफ एम पैक, एक्ट एज अ एक्सपर्ट, वो सब भी लिखना चाहिए था, ठीक है। बट आप देखो कितनी जबरदस्त है, ये होस्ट आपका क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सेंड वीडियो करेगा, सारा आपको क्रिएट कर देगा भाई, देखो पूरा आपको ये क्रिएट कर देगा। और इसमें अब आप वेब सॉकेट वगैरह भी बना के दे देगा आपको, सॉकेट भी इसने इम्पोर्ट कर लिया, सॉकेट वॉकेट सब बना के दे देगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसको एक बार चलाने में ही चल भी जाए, ये भी हो सकता है। थ्रेड व्रेड सारा कुछ, सेंड वीडियो थ्रेड, रिसीव वीडियो थ्रेड, कितना कुछ दे रहा है। तो आप देख लो कितना आसान कर दिया इसने चीजों को, कि एनपी भी इंस्टॉल, एनपी भी ले रखा है, नंपाई वगैरह सब यूज हो रहा है यहाँ पे। तो वीडियो वाली आप चीज कर सकते हो। एफ एफ एम पैक पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे हजारों चीजें आपको मिलेंगी एक्सप्लोर करने पे। कंप्लीट क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन टू रिकॉर्ड कन्वर्ट एंड स्ट्रीम ऑडियो, ठीक है। अब ये देखो आप लिख सकते हो हाउ हाउ टू मेक अ लाइव स्ट्रीमिंग ऐप विद एफ एफ एम पैक। तो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन चैट जीपीटी इज ऑलवेज अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सब कुछ नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारी और चीजें आ रही हैं वीडियो के अंदर। अगर आपको और जाना तो लाइव ब्लॉग्स को देखो, लाइव ब्लॉग्स बहुत सही है, ठीक है। लाइव ब्लॉग्स आपका बहुत ही बढ़िया एक नया टूल आया है, और आप इसमें इजिली इनका डेवलपर्स का और यूज केसेस में इनके पास गाइड्स और एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ है। नए नेक्स्ट जेएस इनका कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर है, तो इस चीज को आप कॉपी पेस्ट भी करोगे ना तो भी आपका आ जाएगा। टिप टैप एडिटर होता है, लाइव ब्लॉग्स ये है, नेक्स्ट जेएस ये है, जेएस मुझे नहीं पता क्या है, बट आप इसको लिटरली गिटहब पे देख के डिप्लॉय कर सकते हो, वर्चुअल पे भी डिप्लॉय कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है जी। तो ये भी आप कर सकते हो डिप्लॉय। तो आप यहाँ से क्या करो, लाइव ब्लॉग्स बनाया, तो ये अभी गिटहब का पेज नहीं फाइंड कर पा रहा, बट मोटा मोटा बात वही है कि आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो वीडियो रिलेटेड एफ एफ एम पेग से, ठीक है। पेग मारो, खुश रहो, चैट जीपीटी के 5 एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई, और एक्सप्लोर करो और इसमें बनाते जाओ, और इसमें कुछ भी सीखना है कि ये सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और अगर कोई आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कोई आइडिया, कोई स्पेसिफिक चीज दिखती है तो मेरे को जरूर बताएं, उसको भी हम दिखाएंगे, उसको भी हम डेफिनेटली करवाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं, पॉपअप ब्लॉक हो गया या ऐसा कुछ हो गया, हो रहा है मेरे हिसाब से, बट कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए मेरे, जो भी है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये हमें देता है एक्सेस तो हमारे पास अभी पासवर्ड नहीं है, बट हाँ आपको समझ में आ गया होगा चैट जीपीटी से ये 5 एप्लीकेशन है हमारी, और बहुत सारी और एप्लीकेशन को हम लेके आएंगे अगली वीडियो। स्वागत है जी नई वीडियो में। हम इसमें देख रहे हैं चैट जीपीटी पार्ट 3। पार्ट 3 है ये, पहली दो वीडियोस में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मोहब्बत आपने दी है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। रात को वीडियो बना रहा हूँ, माइंड ना करें, ऊपर ना देखें मुझे, नीचे ना देखें, इस पे ध्यान लगाते हैं। पूरी पूरी फुल स्टैक ऐप बनाने वाले हैं फायरबेस ई कॉमर्स। सिर्फ एक वीडियो में समझाता हूँ प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे क्या सिस्टम है। फुल स्टैक एप्लीकेशन बन सकती है, बहुत सारी क्रिएटिव एप्लीकेशन बन सकती है। अगले पार्ट 4 में मैं 5 और ऐसी ऐप्स लेने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट, वीडियो, AI, ब्लॉकचेन, और एक और लेंगे रैंडमली, चेक कर सकते हो। API रिलेटेड लेते हैं कोई जैपियर स्टाइल की, तो जैपियर स्टाइल की मैं लेने वाला हूँ, है ना, उसको नोट भी कर लूंगा मैं। तो उस स्टाइल की कोई ना कोई ऐप हम देखेंगे कैसे बनानी है, बट
बट एनीवेज चैट जीपीटी को देखते हैं फटाफट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे। इसके अलावा बेटर भी लिख सकते हो ऐसे कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल कोडर, आप फुल स्टैक इंजीनियर हो, फुल स्टैक इंजीनियर लिखो, फुल स्टैक सीनियर इंजीनियर लिखो, ये सारी चीजें आप लिखोगे तो बेटर है। बट ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो हम किस तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हमारा क्या होगा, एक्सकैली पे चलते हैं। एक्सकैली पे चल के हम देखते हैं कि भाई हमें फुल स्टैक ऐप बनानी है, तो फुल स्टैक ऐप कैसे बनेगी। फुल स्टैक ऐप को देखो यहाँ बना लेते हैं। तो फुल स्टैक ऐप पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डीबी को डिफाइन करेंगे। डीबी का मतलब है डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या क्या आएगा, तो वो डेफिनेशन लेंगे। अब यूजर्स आएंगे, टेबल्स आएंगे, यूजर की टेबल आएगी, बुक्स स्टोर होंगी, कुछ और आप स्टोर कर रहे हो ई कॉमर्स से तो बुक्स कर लेते हैं, कोई और प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की टेबल है, तो डेटाबेस और डेटाबेस में स्टोर होगी आपकी बुक्स, राइट। सबसे पहले उसे डिफाइन कर लो। सेकेंड चीज ये होगी कि आप उसे फेच कर लो। फेच कर लो मतलब यूआई में फेच कर लो। तो ये आपका ना छोटी सी आप ऑटोमेटिकली बना लो। अब यूआई में फेच करने के बहुत सारे तरीके हैं। डेटाबेस से डायरेक्टली तो रीड नहीं कर सकते, सर्वर से रीड करोगे आप, तो सर्वर नोड एक्सप्रेस का बना सकते हो, वहां से रीड मार सकते हो, ठीक है। फेच करोगे, फेच फेच फंक्शन कॉल करोगे, वहां से डेटा आएगा। सेकंड चीज जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, वो कर सकते हो फायरबेस। फायरबेस आसान है, फायरबेस एमवीपी के लिए बहुत आसान है। क्विक एप्स बनानी, क्विक कुछ भी बनाना है तो उसके लिए बहुत आसान है, तो फायरबेस करो। तो जी हमने फर्स्ट क्या लिखा, आई वॉन्ट टू मेक अ सिंपल ई कॉमर्स बुक। हमने उससे रिलेशनल फॉर्म मांगा, तो रिलेशनल फॉर्म में देखो पहले उसने टेबल बना दी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5 टेबल बना दी सारी। उसने बोला रिलेशनल फॉर्म में दे दो, तो रिलेशनल फॉर्म में दे दी उसने, वन बुक मॉडल, यूजर प्रोडक्ट बुक मॉडल, ये वो, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बुक आईडी, यूजर आईडी ऐसे दिखेगी। तो सीक्वल डेटाबेस बना दिया थे जिसमें हमें दिख रहा होगा कि भाई यूजर की, ठीक है, यूजर अपलोडेड बुक्स है, तो अपलोड आईडी इसने, अपलोड आईडी, अपलोड आईडी ये है, यूजर आईडी इसकी है, बुक आईडी है, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स का मॉडल, बुक्स का ये हो गया सारा। तो ये सारी चीजें, तो यूजर्स का ये हो गया, ठीक है, तो यूजर के लिए ये हो गया। तो अगेन चैट जीपीटी ने लिख दिया। अब इसको क्या है कि इसको बेटर फॉर्म में, तो फायरबेस फायर स्टोर में क्या होता है, जेसन फॉर्मेट होता है। यहाँ पे कह सकते हो वो एक तरीके का रिलेशनल डेटाबेस है, जितना मेरे को याद आ रहा है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। फायरबेस फायर स्टोर कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होता है फायर स्टोर, तो इस तरीके से होता है। तो यूजर वन है तो ऐसे स्टोर होगा, यूजर टू है तो वैसे स्टोर होगा। अब इसमें क्या होगा, इसी में यहाँ पे एक बना होगा इसकी कौन सी बुक्स है, तो बुक्स का अरे हो सकता है कि यूजर वन की 10 बुक्स है, यूजर टू की 15 बुक्स है, यूजर थ्री की इतनी बुक्स है। बुक में भी एक अरे होगा जिसमें यूजर होगा, कि भाई सेम बुक में दो यूजर भी हो सकते हैं, कोलैबोरेट करा होगा तो वो भी होगा। तो पहले आ गया हमारा डेटाबेस मॉडलिंग, तो डेटाबेस मॉडलिंग हमने करा दी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, डमी डेटा ले लिया, डमी डेटा हमारा जेसन फॉर्मेट में आ गया, डमी बुक डेटा ले लिया, इसको और भी ले सकते हो आप, ठीक है। डमी इमेजेस डेटा ले लिया, तो इमेजेस भी हमने ले लिया, तो इमेज डेटा भी इसने दे दिया, देखो। तो अनस्प्लैश से इसने एपीआई यूज कर ली। अब हम आएंगे फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड हमने क्या करा, यूआई फेच करवा दिया। तो फ्रंट एंड देखो, फ्रंट एंड में इसने क्या करा, फायरबेस को इंस्टॉल करा। फायरबेस इंस्टॉल करने के बाद फायरबेस कॉन्फिग डाली, कॉन्फिग डालने के बाद देखो इसने क्या करा, सिंपली डेटाबेस का रेफरेंस लिया, बुक कलेक्शन को अवेट कॉल करी कलेक्शन की, और फेच कॉल, फेच फेच बुक्स हमने निकाल दिए बुक कलेक्शन में से। सारी बुक्स हमारे पास आ गई आईडी करके, आईडी आईडी हमने पास कर दी, और ये सारी बुक्स हमने यहाँ पे दिखा दी मैप करके। इतना आसान है, तो ये मैं तो कहता हूँ ये फुल स्टैक आपकी नीव है, बेसिकली इट इज द बेसिस। अब इसके ऊपर आप हजारों चीजें कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, सिस्टम वो कुछ सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट है, सी डी एन सिस्टम हो गए, कैशिंग हो गई, आपके लोड बैलेंसर्स हो गए, वो लगा सकते हो, आपका सर्वर होना चाहिए उसके लिए। थर्ड पे आता है कि आपको इमेजेस के लिए कुछ करना है तो वो कर सकते हो, अमेजोन S3 बकेट्स होती है, सुपरबेस बकेट है, फायरबेस की बकेट है, वो सब यूज कर सकते हो। एंड देन आप इस पर देखो, मैंने इससे फिर ये भी पूछा कि फायरबेस कंसोल को सेव कर रखी, ये भी बताया गया। एंड देन इसके बाद पता है क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि चैट जीपीटी को यूज करके सिंपली जो अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि इसको डिप्लॉय कर देना है। एमवीपी कोई भी आपके पास आइडिया, उसका एमवीपी बनाना है, मैं खो गया था सॉरी, कोई भी आपके पास आइडिया उसका एमवीपी बनाना है। तो देखो इसने मेरे को कॉन्फिग दिया, उसके बाद मैंने बोला कि सेपरेट पेज बना दो कि जिसमें यूजर भी ऐड करता है। तो इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा यूजर, यूजर वाला फॉर्म। तो यूजर फॉर्म जिसमें हम पोस्ट कर रहे होंगे, जिसमें हम ऐड कर रहे होंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे डेटा, तो एसक्यूएल की इंसर्ट क्वेरी लग रही होगी, फायरबेस हैंडल कर लेता है वो सारा कुछ, हमें करने की जरूरत नहीं। हमें बस क्या करना होगा, अवेट कलेक्शन डॉट ऐड, प्रिज्मा यूज कर रहे हो तो प्रिज्मा डॉट ऐड वगैरह होता है, एसक्यूएल के स्कीमा बनाने होते हैं, नोड एक्सप्रेस यूज कर रहे हो तो उसमें भी होता है, सर्वर एक्शन वगैरह यूज कर रहे हो तो नई चीजें हैं, नेक्स्ट यूज कर रहे हो तो उसमें एसक्यूएल की क्वेरी डाल सकते हो आप सर्वर एक्शन बना के। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, फॉर्म बना के दे देगा, सीएसएस बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप इससे एडवांस चीजें पूछ सकते हो। मैंने इससे क्या पूछा कि अगर एक मैनेजर है और वो अप्रूव करवाना चाहता है फोटो को, सारे अब लोग अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ मैनेजर अपलोड करेगा, तो क्या करना है, तो वो भी बता रहे हैं। देखो तो मैनेजर अप्रूव कर पाएगा, तो टेबल बनाई हमने, मैनेजर वगैरह को डाल दिया यहाँ पे कि भाई
जो पेंडिंग वेंडिंग या जो भी है, मतलब ये भी एकदम नहीं कर सकते। और पेंडिंग बुक डेटा हमने हटा ली, और देन पेंडिंग बुक डेटा को हम क्लियर कर देंगे मैनेजर की तरफ से। तो बहुत पावरफुल है भाई चैट जीपीटी, काफी पावरफुल है ना। उसके बाद ये बहुत सारी चीजें इसमें डाल रहा है। और इसके बाद मैंने इससे पूछा कि स्टोर द इमेजेस इन अमेजोन S3 वगैरह, तो उसके बारे में इसने बताया काफी कुछ। तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चैट जीपीटी से पूछते रहो। मतलब अगेन मुद्दा इस सीरीज का मुद्दा यही है कि आप इससे पूछते रहो, जितना पूछोगे उतना फायदा, जितना पूछोगे उतना फायदा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। और लगातार पूछो जितना, देखो बहुत क्यूरियोसिटी चाहिए, देखो कितनी बड़ी हो चुकी है चैट। ये सिर्फ 10 मिनट है, 15 20 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा लगाओगे चैट जीपीटी, आपको बहुत फायदा मिलेगा। होपफुली ये डॉक्यूमेंट मैं नीचे लिंक कर देता हूँ, होपफुली आपको मजा आया होगा। अगली अगली वीडियो के लिए वेट करें। स्वागत है जी आपका एक और वीडियो में। हम इसमें अगेन पार्ट 4 में आ गए, चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। चैट जीपीटी की मदद से आप कितना कुछ कर सकते हो, ये हम बहुत सारी वीडियोस में बना रहे हैं। लेट हो जाओगे, मैं अभी बता रहा हूँ, लेट हो जाओगे, नहीं देखोगे वीडियोस पूरी। बहुत छोटी वीडियो है, 10 15 20 मिनट की वीडियोस है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट लेके आ गया हूँ। राइट में देख सकते हो आप, कुछ भी बना सकते हो। अगेन MVP फीचर डेव करनी है, कुछ समझना है, कुछ और देखना है। कर्सर जैसे टूल्स आ गए, इनको देखो, कर्सर कर्सर AI के टूल है, एडिटर है, इसको देखो, गिटहब कोपायलट को देखो, ठीक है, कोपायलट को देखो, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। आपकी तो AI टूल्स के अंदर मगन हो जाओ, इनसे हेल्प लो अपनी। ऐसा नहीं है कि आप इनसे डर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इनसे दूर भाग रहे हो, दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप इनको यूज करो, ठीक है। तो आप ChatGPT 4 अगर यूज करो, अगर ये प्रीमियम है, ठीक है। और भी मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, मेरे को एक दो चीजें याद आ रही हैं कि जैसे आप GPTs बना सकते हो अपने, ठीक है, जो कि फाइन ट्यूनिंग वगैरह होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। बट tiptap.dev एक तरीके से एडिटर है, तो एडिटिंग आपको ऐप्स बनानी है। इसमें कौन कौन सी ऐप्स आएंगी, ब्लॉगिंग का आपको कुछ बनाना है, एडिटर बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी, नोट मेकर बनाना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है उस चीज को। तो सुपर ब्लॉग देखो आप, सुपर ब्लॉग AI करके एक बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज को चेक करो। AI ऑल्टरनेटिव फॉर वर्डप्रेस एंड मीडियम ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये कैसे बनाए, इसमें भी tiptap यूज करा गया होगा। इसमें मतलब ऐसे एडिटिंग SDKs यूज करी जाती हैं। तो एडिटर SDK जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ और भी मिल जाएगा कि यहाँ पे इमेज ये एडिटर डॉट ये ऐसे वो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है tiptap, बट tiptap बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको इसकी Next.js की एप्लीकेशन चाहिए तो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छी अवेलेबल है यहाँ पे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फिल्टर करते हैं हम AI से, और आपको दिखेगा कि यहाँ पे नोशन AI पावर्ड ये है आपके पास एडिटर, ठीक है। तो एडिटर है आपके पास, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, लिख सकते हो सारा कुछ, है ना। और नॉवल है इसका नाम, ये एक tiptap एडिटर है। तो अगेन पहला प्रोजेक्ट आपका ये एडिटर बेस्ड एप्लीकेशन। आप इस टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो जो कि Next.js के टेम्पलेट है, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। ये चीज मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। यहाँ ये वाली चीज भी यूज कर सकते हो अगर आपको Next.js। अब Next.js में कैसे बनी हुई है, इसको फटाफट गिटहब पे देखते हैं कैसे बनी हुई है Next.js में। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट फटाफट एक्सप्लोर करने की आदत बनाओ। जितना एक्सप्लोर करने की आदत बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ये वाइट थीम आ रहा है, ओके हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें Next.js ऐप राउटर में बना हुआ है, पेज आपका मेन है, API में जनरेट वगैरह का कुछ हो रहा है कि भाई जनरेट में आपकी API कॉल होती है, तो ओपन AI की की है, रेट लिमिटिंग लगी हुई है थोड़ी बहुत, रेट लिमिटिंग है आपकी अपस्टैश वगैरह से यूज होके, चैट कम्प्लीशन लगी हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अपलोड का कुछ लगा हुआ है कि भाई फाइल वगैरह अपलोड हो रही है। तो आपको क्विकली जाना है इन चीजों में, क्विकली जाना है। एडिटर कैसे बना हुआ है वो देखना, नॉवल एडिटर है यहाँ पे, नॉवल एडिटर। अच्छा ये तो इन्होंने वो ही बना दिया भाई, बट हाँ एनीवेज आप समझने की कोशिश करो कि इस तरीके से आप इन चीजों को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो पहला आपका प्रोजेक्ट है। अब सेम चीज ChatGPT से बनानी है तो कैसे बनाओगे, देखो आई वॉन्ट टू मेक एन एडिटर बेस्ड एप्लीकेशन और नोट टेकिंग एप्लीकेशन विद अ पावरफुल एडिटर लाइक tiptap, गिव मी द कंप्लीट रिएक्ट कोड फॉर दिस एज द फॉलोइंग
फॉर दिस एमवीपी या कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ऊपर नीचे अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आपसे आपका काम बन जाएगा और देन ये आपको बना के देगा। और टिप टैप जरूरी नहीं है, आप एडिटर डॉट जे एस आप कुछ भी कर सकते हो, तो अगेन ये आपको बना के चीज देगा। एमवीपी है, कुछ भी है, नॉर्मल आप चीज करना चाहते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ो। मैं तो कहता हूँ अगेन फुल स्टैक की नॉलेज होनी जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो आप, है ना, ये वो सारा कुछ है। तो अगेन ये स्टार्टर किट इनकी अवेलेबल है या जो भी है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, काफी हेल्प करेगा, एंड ऐसे आप इजीली बना सकते हो। अच्छा, इसमें मैं ये बोलूंगा कि चैट जीपीटी में जो बहुत और पावरफुल चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी हैं वो है स्क्रिप्टिंग, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। पांच चार चार पांच पांच चीजें एक वीडियो में लेंगे, बट हाँ टेक्स्ट एडिटर बेस्ड आप बना सकते हो, अगर आपका मन करे चैट जीपीटी पे लिखो, टाइम स्पेंड करो, बन जाएगी। चलते हैं जी नए पे, अब हम करेंगे एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग है चैट जीपीटी का, प्रोजेक्ट नंबर टू आपका आज का, कि एनालिटिक्स बहुत अच्छे से होते हैं और आप इसमें फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सीएसवी फाइल पड़ी है तो सीएसवी फाइल रैंडम डेटा सीएसवी में लेते हैं हम, है ना, और अगर इनके पास अवेलेबल हो तो हम ठीक है इस सीएसवी को यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं सीएसवी को। मॉक डेटा सीएसवी खोलते हैं एंड गिव मी द समरी ऑफ दिस सीएसवी डेटा। तो अगर आप सीएसवी को अपलोड कर देते हो तो ये इतना जबरदस्त है कि एनालाइज करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। हम यहाँ पे प्लगइन्स को भी देखने वाले हैं अगली वीडियो में, ये अगली वीडियो के लिए लिख रहा हूँ, ये अभी अब सिर्फ अभी आज आज यहाँ तक होएगा, अगली वीडियो के लिए ये प्लगइन्स को देखने वाले हैं। एंड जनरेटिव एआई देखेंगे हम, जनरेटिव एआई तो ऐसा रही है, बट इमेज इमेजेस इमेजेस एआई देखने वाले हैं हम अगली वीडियो में। तो ये पार्ट थ्री और पार्ट फोर है भाई ऑलरेडी, ये तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट हाँ ये देखो, फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डेटा सेट आर एज फॉलोज, डेटा टाइप्स हैं, कॉलमनीज हैं, ये वो फलाना ढमकाना, राइट, तो ये सारा कुछ कर रहा है। एंड देन इससे आप ग्राफ्स एंड चार्ट्स भी बनवा सकते हो, आप इससे बोल सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, आप इससे बोल सकते हो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें, राइट। तो कैन यू मेक ग्राफ फॉर मी फ्रॉम दिस, तो देखते हैं ये क्या कहता है ग्राफ अगर बनाता है कि नहीं, बट देखते हैं कुछ बना रहा है। बट इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स हैं बहुत सारे जो ग्राफ वगैरह बना देते हैं, तो वो देखते हैं अगर बिना प्लगइन के। ऑप्शन वन ले लो जी, ऑप्शन वन अगर ये लेता है तो एनालाइज कर रहा है, देखो एनालाइज में भी पाइथन का स्क्रिप्ट लिख रहा है, मैटप्लॉटलिब लिख रहा है, बहुत जबरदस्त। तो आप देख रहे हो ये बहुत पावरफुल है, पाइथन की स्क्रिप्टिंग, मैटप्लॉटलिब, ये सारी चीजें बड़ी पावरफुल है इसके अंदर, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसको चेक कर सकते हो, इसके साथ प्ले अराउंड करो, एनालाइज करो, बहुत सारी चीजें करो, है ना, और आपको इससे फायदा फायदा मिलना। तो अगेन ये देखो आप, तो ये आपके एनालिसिस की आप होगी, बहुत सारी एनालिसिस, और सीख भी सकते हो, ये देखो सीखो भी यहाँ से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें निकल के आती हैं यहाँ से, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निकल के आएंगी, इस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप चलते हैं जी अपने प्रोजेक्ट नंबर 3 पे, आपने एनालिसिस देख लिया, ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है जी। अब आते हैं हम ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स पे देखते हैं कि कैन यू हेल्प मी विद ओपन सोर्स, आई वॉन्ट टू एड सम कोड टू, ठीक है, तो ये देखते हैं लिख के क्या कहता है। वैसे ये एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा बिंग के साथ ही, चैट जीपीटी 4 में ही अवेलेबल है, आई थिंक वर्थ इट है अगर आप थोड़ा सा टाइम, मतलब ऑब्वियसली आप थोड़ा सा वो करना चाहते हो, बट आप इससे डिटेल में पूछो, डिटेल में इससे बातें करो कि क्या क्या करना है, कौन से इश्यूज हैं, किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, बेसिक नॉलेज ही देगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कैट डॉट कॉम एक बहुत ही इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन है, एज एज वी ऑल नो, है ना, ये बहुत ही हैवी हैवी एप्लीकेशन है, काफ़ी कुछ है इसमें, एप्स के अंदर एआई में कुछ कुछ है, प्लेटफॉर्म है, वेब, ये वो काफ़ी कुछ है, इंफ्रा में भी डॉकर वगैरह बनाया हुआ है, डिप्लॉय करने की चीज़ें हैं, तो ये एक काफ़ी इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन है। बट इतना भी मतलब वो नहीं है कि कुछ भी नहीं आप कर सकते इजीली, अगर आप समझने बैठोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है और मतलब कुछ नहीं, मैंने तो प्लेटफॉर्म नहीं देखा होता है इसलिए मेरे को उतना आइडिया नहीं लग पाएगा, बट आप प्लेटफॉर्म देखो, चेक करो एक एक चीज़ के किस तरीके से क्या क्या काम कर रहा है,
एंड देन आप यहाँ पे आके यू नो इजीली अगर आपको नेक्स्ट ईयर से जिसमें भी बनी हुई है नेक्स्ट ईयर में बनी हुई है आई थिंक डॉट कॉम नेक्स्ट ईयर में बनी हुई है, नेक्स्ट कन्फिग नहीं देख रहा मेरे को, वाइट टेस्ट और ये सब देख रहा है, बट एनीवेज पैकेज है ना, तो अगेन देख रहा हूँ आप कितनी सारी चीजें हैं, बट हाँ मोटा मोटा तो आपका रिएक्ट का ही फंडामेंटल काम आ रहे हैं यहाँ पे, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो अगेन बहुत ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली टाइम लगता है, ऑब्वियसली आपको बहुत सारी इसमें चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या कैसे क्या चल रहा है, और एजेंट बना रखा है इन्होंने, ठीक है, एजेंट्स भी यूज कर रहे हैं सेंड ईमेल वगैरह के, नेक्स्ट रिस्पॉन्स तो नेक्स्ट जैसी है एप्स वगैरह में, एंड टूलिंग में इन्होंने क्रिएट बुकिंग कॉल, ये तो एपीआई फोल्डर में है, तो एपीआई फोल्डर के अंदर, सॉरी ये एपीआई फोल्डर में नहीं है, ये एपीआई फोल्डर में ऑनबोर्ड करना है तो कैसे करना होगा, है ना, सेंड ईमेल भी हो रही है, सेंड ईमेल ये रिसेंट से या यूटल्स वगैरह से काम कर रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगेन आप इसको टाइम लगाओगे ना इसमें तो आपका काम बन जाएगा, तो अगेन इसमें बहुत टाइम आपको लगाना पड़ेगा, ओपन सोर्स इतना आसान चीज नहीं है, बट मैं आपको एक हेल्प देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाओ, वेब के अंदर इन्होंने पेजेस स्टोर कर रखे हैं, तो इसमें सारे पेजेस हैं आपके जो भी दिख रहे हैं आपको, कि भाई बुकिंग का पेज पेज ये है, स्टेटस वगैरह तो देख रहे हो, अच्छी खासी चीजें यूज हो रही हैं, तो इसमें टाइम लगाना पड़ेगा आपको भाई, कि स्टेटस क्या है, कैसे क्या चल रहा है ये, ठीक है, कहाँ से क्या पैरम्स आ रहे हैं, अभी टी है या कुछ लिया हुआ है, फिल्टरिंग हो रही है, बटन है, कंडीशनल है, बहुत सारे हुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बुकिंग किसी को करनी है तो क्या करना है, या फिर एपीआईज हैं दुनिया भर की, ठीक है, या फिर इनसाइट्स हैं दुनिया भर की, इनसाइट्स कैसे देनी है आपको, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, इतनी आसान नहीं है ऐप बनानी, बट हाँ ये फिर भी आपको देख रहे हो बहुत सारी हेल्प कर देगा कैसे क्या करना है। कैन यू एक्सप्लेन मी द कोड फोल्डर बाय फोल्डर, तो इससे भी हेल्प ले सकते हो आप, अगर आपको मतलब वो चाहिए है ना, तो ये देखो एप्स डॉक्स ये सब आपको बताएगा, तो इसके अंदर भी आप जा सकते हो, तो चैट जीपीटी को और एक्सप्लोर कर सकते हो, और हेल्प ले सकते हो कि भाई मेरे को बताओ राइट कि रीस्केड्यूल कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे करना है सारा कुछ राइट, तो ये देखो पूरी ये फाइंड यूनिक कर रहा है, देखो देख रहे हो पहले ही फाइंड करता है, फाइंड करने के बाद ये और कुछ कुछ की भाई अगर इवेंट टाइप कुछ अलग है, स्टेटस कुछ है तो क्या करना है, कुछ और है तो क्या करना है, ये है तो क्या करना है, ठीक है, एंड देन क्या क्या करना है, रीडायरेक्ट कैसे करना है, तो काफी काफी हैवी ड्यूटी ऐप है राइट, तो ये भी आप देख सकते हो, चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा इसमें, इसमें भी बहुत है, इसमें एक प्लगइन भी होता है जितना मेरे को याद आ रहा है, इसमें एक प्लगइन वही होता है, प्लगइन होता है आस्क द कोड है ना, रुक जाओ एक सेकेंड, आस्क द कोड है ना, तो एक्सप्लेन मी द कोड फॉर कैल डॉट कॉम, तो ये देखते हैं ये कैसे एक्सप्लेन करता है, तो ये जाएगा आस्क द कोड, ये कॉल करेगा यूआरएल वगैरह को है ना, पैकेजेस ये वो, तो यू नो लेट मी टेल देम कि गिव मी जो वेब का फोल्डर है, क्योंकि हमने देख लिया ना कि वेब वाले में ही मेन चीजें हैं, पेजेस वगैरह जो भी इन्होंने बना रखा है, सर्वर ये वो सब फलाना ढकाना, तो देखो अब ये जाएगा उसमें है ना, और इसने में भी वेब वगैरह का ढूंढेगा सारा, ये देखो वेब वेब के सारे पेजेस स्क्रेप कर रहा है ना, तो देखो ये चीज है, आप देख रहे हो ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगे ना, तो आप देखो टीआरपीसी भी लगी हुई है इसमें, फ्यूचर है, कुछ और है, लाइव पेजेस है, ठीक है, प्ले राइट है, टेस्ट होते हैं प्ले राइट में, तो कितनी हेल्प आपको मिल रही है यहाँ से, ओपन सोर्स के लिए हेल्प बहुत मिल सकती है, कोई भी लाइब्रेरी कोई रिपोजिटरी नहीं समझ में आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स आपको चाहिए इस प्लगइन को यूज कर सकते हो राइट, और भी मांग सकते हो, एक्सप्लोर मोर इन पेजेस एंड फाइंड द इनसाइट्स पेज, देन एक्सप्लेन मी द कोड इनसाइड दोज फाइल्स, तो क्या पता ये भी करते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी करते हैं, तो ये कर ही रहा है, बट हाँ ये भी कर सकता है, तो एस कस्टम जीपीटी भी है, और कस्टम जीपीटी भी हम देख लेंगे इसका कैसे क्या है,
गेटअप रिपोजिटरी आस्क अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ द कोड है ना, तो ये भी है। बट हाँ, आप इससे बहुत कुछ पूछ सकते हो भाई, तो यू नो ये आपकी थर्ड चीज है। बट हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग, अगेन मैं इसको यूज करता हूँ कभी कभी, और ये काफी काफी चीजें हैं। अगेन ये नहीं, आई थिंक नो नो अवेलेबल दिखा रहा है, इनसाइट्स की जगह कुछ और होगा फिर। लाला एपीआई में हो सकता था वो हो, बट हाँ मोटा मोटा वही होता है कि जैसे अब क्रॉन जॉब है, क्रॉन जॉब के अंदर कितना कुछ चल रहा है देख लो, कि क्रिएट एड एंड टाइम, ये वो, तो मोटा मोटा टाइम लगता है इसमें, टाइम स्पेंडिंग, टाइम लगाना है आपको, ठीक है, तो टाइम लगाओ है ना, और टाइम लगा के आगे बढ़ो, तो आपका वो है। चौथे पे आते हैं कि भाई रैंडम, रैंडम कोई ऐप आप अगर आपको बनानी है, राइट, अगर आपका मन करता है कि भाई कोई मेरे को कोई ऐसी एआई बेस्ड में भी मॉक इंटरव्यू उसका कुछ बनाना है, तो लेट्स से मॉक इंटरव्यू वाली आपको ऐप आप बनानी है, टॉक टू हायर एआई पावर्ड मॉक इंटरव्यू, आप इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू देने के बाद आपको उसको वो करना है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू देने के बाद ट्रांसक्राइब करना है, राइट, तो आप इसे एक्सप्लेन कर दो, आप इसे एक्सप्लेन कर दो, आई वॉन्ट टू मेक एन इंटरव्यू टूल, द यूजर स्टार्ट्स द वेबकैम, स्पीक्स फॉर 1 मिनट, देन स्टॉप्स, आई वॉन्ट टू ट्रांसक्राइब दिस एंड देन कन्वर्ट एंड देन दे यूजिंग ओपन ए आई, एक्ट एज एन एक्सपर्ट फुल स्टैक इंजीनियर स्टेप्स टू मेक दिस, ठीक है, तो ये पूछते हैं हम इससे, ये बता देगा आप सब कुछ कि ठीक है कैसे क्या क्या यूज करना है क्या क्या। तो अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको मदद करने वाली है भाई बहुत। सीरीज देखते रहो, आपको मजा आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो है ना, फॉलो कर लो बढ़िया तरीके से, और दुनिया भर के ये चीजें बता रहा है, ओपन एआई विस्पर वगैरह यूज कर सकते हो, क्या 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 नहीं यूज कर सकते भाई, सब यूज कर सकते हो है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। तो अगेन ये बहुत सारा कुछ कुछ बोल रहा है, अब इसको सीधा बोलते हैं भाई, गिव मी द रिएक्ट कोड फॉर दिस, ठीक है, सीधा कोड मांगते हैं, देखते हैं भाई कितना पहुंचाएगा। लीगल कंप्लायंस वगैरह की बातें कर रहा है ये, ऑब्वियसली करते हैं ये थोड़ी बहुत, बट हाँ इससे आपको डरना नहीं है, लीगल कंप्लायंस वगैरह से नहीं डरना है, हम कौन सा विवेक बिंद्रा है भाई, है ना। तो देखो ये मीडिया रिकॉर्डर रेफरेंस ले रहा है काफी कुछ करेगा, देन यू नो ब्लॉग वगैरह बना रहा है उसका, डिस्प्ले नन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि पता नहीं क्यों कर रहा है, रिएक्ट है इसमें भी सीएसएस यूज कर रहा है, एंड देन यू नो आप क्या कहते हैं, बहुत सारे इसमें कर सकते हो, पेमेंट्स भी डाल सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो, आई मीन मैनी 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 थिंग्स। तो देखो मैं इसमें 10th पॉइंट पेमेंट्स भी डाल देता हूँ, कि पेमेंट्स पेमेंट्स ऑथ, ये हम अगली वीडियो में देख लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, राइट, तो गिव मी द कोड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ये पूछ लेते हैं है ना, तो ये भी दे देगा ये। तो भाई अगेन सारी चीजें आपके हाथ में हैं, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक बार एक्सपर्ट बन जाते हो उसमें, है ना, अपलोड वगैरह कैसे है, बैक एंड पे कॉल मारेगा कोई ना कोई, जो ओपन एआई की जो वो है हमारी विस्पर एपीआई, विस्पर एपीआई को कॉल करेगा, एंड देन आपको इसका फ्लास्क वगैरह का सेटअप कर रहे हैं, बट हम नेक्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं, वो भी आसान है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो भी कर सकते हो आप।
है ना, तो अगेन मैं खो गया था कहीं। तो यार बस करते हैं, आई थिंक इतना अच्छा था, इसमें 4-5 हमने चीजें डिस्कस करी और डीएस रिलेटेड एंड मेनी मोर थिंग्स हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो। स्वागत है जी, क्या हाल है आपका। और हम पांचवी वीडियो में आ चुके हैं, पांचवी छठी जो भी है, चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बहुत सारे जबरदस्त आपको मैं चीजें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, है ना। और चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। हमने देखा प्रॉम्प्ट स्क्रिप्टिंग, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, कुछ नया सीखना है, फुल स्टैक एप्स, फायरबेस, ये वो सब कुछ कर सकते हो आप। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, चलेंगे अंदर। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आज आपका है वो ये है कि आपने यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर देखे होंगे, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर देखे होंगे, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट है जो बहुत सारे यूजर्स अट्रैक्ट कर दिया। आप उस पर एड चला सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, यूजर्स ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मास प्रोडक्ट है ये। कैसे बनाते हैं ऐसे, देखो एक तरीका ये है कि हमने यहाँ पे लिखा कि हमें स्प्लिट करनी है वीडियो टाइम स्टैम्प से। तो ये एक आइडिया हो सकता है आपका कि वीडियो स्प्लिटिंग की टाइम स्टैम्प गिवन है, उन टाइम स्टैम्प को लिया और उसे स्प्लिट कर दिया वीडियो को और वीडियो डाउनलोड कर लिया। तो इससे क्या है, FFmpeg, ये एक आपकी वेबसाइट निकल के आती है या फिर आप कह सकते हो लाइब्रेरी निकल के आती है जो कि रिकॉर्ड कर सकती है, डाउनलोड कर सकती है, सब कुछ कर सकती है वीडियो के लिए। तो सिंपल एक शेल कमांड डालोगे तो आ जाएगा, आपको इनपुट डॉट MP4 देनी पड़ेगी, स्टार्ट और एंड टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी। अब मैंने बोला उसे 10 सेगमेंट से, मेरे पास 10 टाइम स्टैम्प है, तो क्या करना है, तो कहता है कि फाइल बना लो एक TXT। बहुत अच्छा आइडिया, वहां पे भी स्टोर कर सकते हो, एक ही बात है। एंड देन आप ऐसे ऐसे कर सकते हो ड्यूरेशन। अब मैंने बोला कि भैया मेरे पास स्टार्ट और एंड टाइम तो नहीं है, सिर्फ स्टार्ट टाइम है। तो देखो इतना स्मार्ट है और ऑब्वियसली ये अच्छी लॉजिक की प्रैक्टिस भी है कि उसने क्या करा, एनी टाइम स्टैम्प्स को लिया बट यहाँ पे क्या करा, स्टार्ट और एंड टाइम निकाल के डाल दिया। तो अगेन अगर आप कोडर हो तो कोडर्स के लिए भी बढ़िया चीज है सीखना कि वो स्टार्ट और एंड टाइम जरूरी नहीं है आपको मैनुअली यहाँ चेंज करना, आप कोड से भी कर सकते हो, भी अपेंड कर सकते हो एंड देन आउटपुट फाइल निकाल सकते हो। आउटपुट फाइल में यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हो जो भी काउंट है, अगर टाइटल डालना है तो टाइटल यहाँ से निकाल लो, स्प्लिट करके इसे स्प्लिट करो स्पेस पे, इसका टाइटल आ जाएगा, स्प्लिट करके ज्वाइन कर दो राइट साइड वाला, टाइटल आ जाएगा आपका, वन कोलन डाल के आपको राइट साइड वाली चीजें मिल जाएंगी और उसे ज्वाइन कर दो तो वो आपका टाइटल भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे भी आप कर सकते हो। अगेन आपको बहुत लंबे वीडियो को छोटी वीडियो में डालना है, वीडियो डाउनलोड करनी है, कुछ भी करना है राइट, तो वो भी लिख सकते हैं, गिव मी पाइथन कोड टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, है ना। और इसको क्या कर सकते हो, इसको फ्लास्क वगैरह पे डाल के छोटा सा बैकएंड बना के लॉन्च कर सकते हो, तो ये भी आपका काम आसान कर देगा। तो पाइट्यूब करके लाइब्रेरी है और मूवी PI मूवी की भी होती है, काफी सारी मूवी PY है और भी काफी सारी चीजें हैं। अगेन आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम डाउनलोडर बनाना है तो क्या करोगे, गिव मी पाइथन कोड टू डाउनलोड इंस्टा वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो एंड पुट दिस इन अ फ्लास्क बैकएंड। तो पाइथन में ये सारी चीजें बहुत ही ट्रिविल हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं उसमें भी कर सकते हो, जावा भी है, स्प्रिंग बूट वगैरह लगा के भी कर सकते हो, बट हाँ इंस्टा लोडर जैसे एक लाइब्रेरी निकल के आती है तो ये डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। फ्लास्क का एक बेसिक चीजें सेटअप करेगा आपको, सर्वर वगैरह सारा कुछ बना के दे देगा, तो आपका काम इससे आसान हो जाएगा। तो अगेन स्क्रिप्टिंग, वीडियो, इमेज, कुछ API जनरेशन, कुछ भी आपको क्विक करना है तो आप कर सकते हो, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इंस्टा डाउनलोडर, पिंटरेस्ट, ट्विटर, XYZ, जो भी आपको चीजें करनी है वो कर सकते हो। एक और ऐप है मैं बताता हूँ, आज आज आजकल मैंने क्या आप देखे, easybranding.io, बहुत छोटी ऐप है बट इस तरीके की ऐप्स आप बना सकते हो। देखो इस तरीके की ऐप्स आप बना सकते हो कैसे, अरे यार इन्होंने अलग ही टेलमेंट या वो लगा रखी है, बट देखो आप इस तरीके की ऐप बना सकते हो कि जैसे इसमें सिलेक्ट करा तो तीनों सेम आ गई, ठीक है। तो टेक्स्ट CSS वगैरह का थोड़ा बहुत खेल है, CSS वगैरह का कर सकते हो राइट। एंड देन इन्होंने एक SaaS का टूल बना रखा है, प्रॉपर ऐप बना रखी है, इसमें पता नहीं पैसे वैसे लेते होंगे, ये पैसे वैसे कितने ले रहे हैं, प्रो डाउनलोड के कितने पैसे मांग रहे हैं वो देखना पड़ेगा, बट अगेन SaaS का टूल भी बना सकते हो। ये स्टार्ट बिल्कुल सिंपल ही हुआ होगा, अगेन $5 के अंदर है और अपना यहाँ वहाँ दे दो कि जो भी आपको लोगो डाउनलोड करना है $5 के अंदर अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो डेफिनेटली राइट। तो ट्विटर, लिंक्डइन, आपका ट्विटर बैनर और लिंक्डइन बैनर दोनों तैयार होकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अगेन इनके पास स्टाइल्स हैं, ये भी एक ऐसी ऐप आप बना सकते हो डेफिनेटली, इनके पास ये स्टाइलिंग है, कुछ भी स्टाइलिंग है कर सकते हो, ज्यादा जरूरी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट आइडिया दे रहा हूँ आपको, CSS वगैरह यूज करके बना सकते हो इसे, YouTube वीडियो डाउनलोडर बना सकते हो, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया।
अगेन ये इंस्टाग्राम का ये करो, ये कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं इंस्टाग्राम एपीआई को आप देख सकते हो। और भी मैं अगली बार इंस्टाग्राम की थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं, इंस्टा यूट्यूब एप्स की बातें करेंगे, शॉपिफाई एप्स की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में तो मैं अभी आपको लेके आ रहा हूँ इमेजेस एआई वगैरह में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शॉपिफाई एप्स, इंस्टा यूट्यूब एप्स, बॉट्स की बातें करेंगे, डिस्कॉर्ड बॉट्स वगैरह कैसे बना सकते हो आप, एंड और भी काफी सारी चीजें हैं, पेमेंट्स वगैरह समझाता हूँ। तो स्क्रिप्टिंग हमारा डन हो गया, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा निकल के आता है चैट जीपीटी का डीएसए। तो आप जीपीडीज बना सकते हो। जीपीडीज बनाने का मतलब है, देखो जैसे मैंने जीपीडीज करे हो ना, तो आप खुद जीपीडी बना सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो। ऑल ट्रेल्स देखो, ऑल ट्रेल्स का यहाँ पे बनाई हुई है, ऑल ट्रेल्स, ठीक है, फाइंड मी ट्रेल्स नियर वैंकूवर कनाडा, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ या फिर मैं कुछ और लिखता हूँ, तो ये देखो वैंकूवर में बहुत हजारों तरीके की ट्रेल्स होती हैं, तो वो ये बड़ा आपको दिखा देगा। ऑल ट्रेल्स ने अपना फाइन ट्यून करा हुआ, अपना गुड डाला हुआ, तो यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसे? अपनी जीपीडी बनाओ, ठीक है। अब ये अलाव अलाव मांग रहा है, बट अपनी जीपीडी बनाओ। अपनी जीपीडी इस तरीके से आप बना सकते हो, वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, कंसेंसस, एआई पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ वाली देख लेते हैं, स्कॉलर, ठीक है, बहुत सारी है, डाली वगैरह तो है ही, ये तो इन्हीं की खुद के डेटा एनालिसिस वाली है जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई थी, ठीक है। प्लांट केयर असिस्टेंट है, और देखते हैं और कौन सी आजकल चल रही है, वीडियो जीपीटी है, स्टनिंग वीडियोस ये भी देख लेते हैं, वीडियो इमेज वीडियो जनरेटर देख लेंगे, वीट डॉट आईओ काफी अच्छा है, ठीक है। कैनवा का देख लेते हैं, कैनवा का कैसे है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कैनवा का देखते हैं, डिजाइन यूट्यूब थंबनेल फॉर फ्रस्ट्रेटेड कोडर टीचिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल बना रहे हैं, तो ये देखते हैं यूट्यूब थंबनेल बना के देगा कि नहीं, वीट से इमेज। तो अगेन ये जीपीडी का जमाना है, बहुत बढ़िया। ये नहीं कर पा रहा है, या आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है, बट मोटा मोटा आप समझने की कोशिश करो कि है ना, ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। तो ये अपना यहाँ पे बना देगा, एआई पीडीएफ के साथ चैट कर सकते हो, डाली के साथ क्रिएट कर सकते हो। तो इमेजेस वाला भी मैं सेक्शन आपको इसी में निकाल देता हूँ, चार चीजें बताऊंगा एक साथ, है ना। तो इमेज भी क्रिएट, जो भी आपकी इमेजेस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ये इसने बना दिया, कितना बढ़िया बनाया भाई, मेरे हिसाब से तो बढ़िया बना है ना। और क्या कहते हैं, इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपका डिजाइन वो भी बन जाएगा। तो भाई ये मेरे हिसाब से तो बुरा नहीं है, इसमें अपनी फोटो डाल दो और बढ़िया है भाई, ठीक है। यहाँ और लिखते हैं, गिव मी अ यूट्यूब थंबनेल विद आइकन्स ऑफ फैंग, लार्ज टेक्स्ट एंड अ फोटो प्लेस होल्डर ऑन द राइट साइड, मेक द टेक्स्ट एंड आइकन्स क्रिएटिव एंड बिग, यू नो हाउ टू से एवरीबडी लाइक्स इट बिग। तो ले लेते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से काम आएगा। बट अगेन वीडियो जीपीटी में भी इंटरेस्टेड हूँ मैं, बट पता नहीं यार कितने लेवल की क्या वीडियोस क्रिएट होंगी। हाँ लोग बातें कर रहे हैं, पैसा ऐसा कमा सकते हो, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, काफी कुछ क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना अभी कोई वीडियो में स्पेशली कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। बट अगेन ये देखते हैं कि इन्होंने क्या क्रिएट करा है। ओके आइकन्स पटके ही नहीं है तो अभी ये काफी नया है, आप ये कह सकते हो, कहीं ना कहीं ये नया है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा पोस्टर स्टाइल, कहीं ना कहीं ये पोस्टर स्टाइल आपको दे रहा है, जो YouTube पे एक्चुअली में बड़े आइकॉन्स और बड़े वो सारे कुछ चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं दे रहा। बट अगेन यू कैन एक्सप्लोर, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगेन हमने देख लिया, आप प्लगइन्स पे चलते हैं। प्लगइन्स अगर आप देखोगे तो प्लगइन्स चैट जीपीटी 4 में ही अवेलेबल है, बट आप उन्हें यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आस्क द कोड है, बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्लगइन का स्टोर है पूरा। ओके करते हैं, एंड देन आपको बहुत सारे तो एआई डायग्राम्स आपको मिल सकते हैं, एआई डायग्राम्स जो विमसिकल के अंदर हजारों डायग्राम क्रिएट करो कि रोड मैप क्या है, एआई रोड मैप, ब्लॉकचेन रोड मैप, मोनस्टैक, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के एआई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आस्क योर पीडीएफ चैट विद पीडीएफ कोडर पैक, 30 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड रन कर सकते हो, डायरेक्टली रन भी कर सकते हो कोडर पैड, ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोडिंग रन करनी है सीधा चैट जीपीटी में, तो ये भी आपको फायदा दे सकता है फॉर श्योर, राइट। तो ये भी कर सकते हो, अगेन डायग्राम्स निकलवा सकते हो, बहुत सारे डायग्राम्स। मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज होगा, अगर आप कोई गाइड बना रहे हो, रीडमी बना रहे हो, कुछ और ऐसा बना रहे हो जिसमें विजुअलाइजेशन की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है, राइट। तो
तो मैं आपको मैं ये बना के दिखाता हूँ कि ये देखो पीडीएफ डॉक में कर दिया, पीडीएफ वगैरह भी क्रिएट हो जाएगा है ना, चैट पीडीएफ वगैरह भी करते हैं। तो अगेन ये डायग्राम्स निकालते हैं और यहाँ बोलते हैं गिव मी डायग्राम ऑफ मर्न स्टैक रोड मैप इन द नेक्स्ट 60 days, राइट, या ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो आपको AI डायग्राम को रन करेगा, अपने आप देखेगा, बहुत सारी चीजें आपको बताएगा है ना, तो आपको फायदा बहुत मिलने वाला है इससे। चेक करें ढंग से, बढ़िया तरीके से, बहुत सारी चीजें आपको देखो ये देगा। अगेन इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा पैसा लगेगा आपका, बट ये देखो ये वीक दे दिया इसने। बट विम्सिकल के अंदर भी अगर आप जाओगे ना तो भी ये क्या करता है कि अगर आप ये देखो, अगर आप यहाँ भी जाओगे तो ये क्या है कि इन्होंने ये बना दिया, बट मुझे ये चाहिए था माइंड मैप, इन्होंने ये गलत कर दिया मेरे हिसाब से है ना, ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था माइंड मैप। तो माइंड मैप विद ऑल द टॉपिक्स, तो ये भी क्रिएट कर देगा होपफुली, तो ये भी क्रिएट कर देना चाहिए इसे। तो ये हमें माइंड मैप की ज्यादा जरूरत थी, राइट, तो वो चीज भी ये क्रिएट कर देगा। पेमेंट ऑथ पे आएंगे, पेमेंट ऑथ का मतलब है स्ट्राइप, पैबली, बहुत सारे पेमेंट ऑथराइजेशन हैं, कैसे वैसे कमा सकते हो, रेजर पे है ना, हजारों चीजें हैं जो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती हैं। तो वो भी चेक करते हैं, वो भी देखते हैं कि यू नो किस तरीके से आपको ये हेल्प मिलेगी यहाँ पे। और एग्जैक्टली चैट जीपीटी अगेन, इसमें स्ट्राइप, फायरबेस, कोडिंग कर रहे हो अगर, तो पेमेंट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वेबहुक्स आने चाहिए, किस तरीके से कौन से इवेंट को लिसन करना है, कौन से इवेंट पे कब रिएक्ट करना है, क्या होता है सक्सेस फेलियर पे, क्या क्या करना है, काफी सारी चीजें हैं। इस वाले को एक और अलग वीडियो में भी लिया हुआ है मैंने, उसमें आई थिंक ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि पेमेंट्स हमने वहां डिस्कस करी हुई है, तो उसको वहां देख लेंगे। बट हाँ ये देखो आप, ये बढ़िया इन्होंने बना दिया, और पता नहीं पूरा नहीं बनाया, पूरा नहीं बना, बनाया बनाया पूरा आई थिंक वो आ नहीं रहा क्योंकि स्क्रीन छोटी है। बट ये देखो ये भी पूरा कर देंगे, देख रहे हो आप, ये भी पूरा अपना 12 हफ्तों का इन्होंने बना दिया। और 12 इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें वो भी कर सकते हो आप ना, यहाँ पे AI भी कर सकते हो। हाँ साइन इन करना पड़ेगा, और साइन इन करने के बाद आप यहाँ AI भी लगा सकते हो, चैट भी कर सकते हो, काफी कॉमेंट वगैरह AI भी है इनके पास, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अगेन आपका ये सिंपल सा रोड मैप बनेगा, और ये भी आप यूज कर सकते हो भैया। तो प्लगइन्स भी मैंने आपको दिखा दिए, बहुत सारे हैं प्लगइन्स, अर्थ के हैं, प्रॉम्प्ट बेटर करने के हैं, यूट्यूब समराइज करने के हैं। तो अगेन एंजॉय करें इस चीज को है ना, मजे उठाएं, एक्सप्लोर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली चैट जीपीटी की। स्वागत है जी आपका Part 6 के अंदर। चैट जीपीटी की एप्स यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, माफ करना मेरे ऊपर सूरज पड़ रहा है बहुत भयंकर इस टाइम पे, बट ये जावास्क्रिप्ट और चैट जीपीटी को कंबाइन करके एक मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हमें जावास्क्रिप्ट के डॉम कॉन्सेप्ट्स को चैट जीपीटी से पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप चैट जीपीटी से सीख सकते हो, चाहे आप एक कोर्स के अंदर देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, इस टूल को अपना एडवांटेज बनाओ। डॉम के कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। उसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम लिखूंगा तो आप यहाँ पे जाओगे, आप देखोगे इनकी जो वो है हजारों कॉन्सेप्ट हैं। देखो पॉइंटर, एलिमेंट, इवेंट, रेंज, स्टैटिक, टेक्स्ट, एडिटर्स, ये वो कितना कुछ करोगे, अपने आप नहीं सीख सकते सारा कुछ, और ये गलत तरीका है सीखने का। राइट साइड में मैं आपको एक ऐप दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक हमारी क्या साइनिंग की ऐप है, इसमें क्या बना हुआ है, कैनवस बना हुआ है, टेक्स्ट पिकर है, बैकग्राउंड है, फॉन्ट साइज है, क्लियर, सेव, रिट्रीव है, सारा जावास्क्रिप्ट में बना है। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सेव एंड डाउनलोड कर सकते हो, अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो इसमें अपना, ठीक है, रेड ये क्लियर कर सकते हो। तो ये एक जावास्क्रिप्ट की ऐप है, ऐसी आप बहुत सारी एप्लीकेशन इससे पूछ के बनवा सकते हो चैट जीपीटी से, जिससे आप डॉम के कॉन्सेप्ट अपने आप सीख जाओगे। और फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपको क्विज की ऐप है, ठीक है, लेट्स से क्विज की ऐप बनाते हैं, ठीक है, create this app with JavaScript and give me the complete HTML file. तो अगर आप ये उनसे बोल दोगे तो वो आपको इजिली बना के दे देगा, पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना के दे देगा, और इससे आप अपना सीख लोगे। तो अभी देखते हैं एक सेकंड के अंदर अंदर कि आपको क्या देता है, और जूम इन कर देता हूँ मैं आपके लिए। क्विज डेटा को स्टोर कर रहा है,
क्वेश्चन आंसर मॉडलिंग कर रहा है डेटाबेस की, ठीक है, और इजिली ये देखो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेगा, जिससे आईडी आ जाती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से आईडी आ जाएगी, जो आपने आईडी डिफाइन करी है डिफ की, इनपुट की, जो भी है, शो क्वेश्चन पे शो हो जाएगा, और क्वेश्चन डॉट आंसर फॉर ईच लूप लगा के आंसर एलिमेंट में अपेंड कर देगा, सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा माइनस करके दिखाता हूँ पूरा कोड कि नेक्स्ट बटन पे क्या होगा, नेक्स्ट होना, सिलेक्ट आंसर पे सिलेक्ट, शो क्वेश्चन पे शो। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, क्विज एप्लीकेशन, टू डू, वेदर, साइनिंग ऐप, कैनवस की ऐप, कोई और आपका डोनेशन का पेज बनाना, कुछ भी है, अलग करने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पे, राइट? तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी निकलवा सकते हो, जैसे मैंने कहा आई वांट टू लर्न डॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, गिव मी सम प्रोजेक्ट आइडियाज। इससे क्या होगा, आप एक एक्सप्लोरिंग की दुनिया में चले जाओगे, क्योंकि कोर्स और एक तरीका क्या होता है ना, वो तो एक बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन सिखा सकता हूँ, डेफिनेशन कैसे सिखा सकता हूँ यहाँ पे जाके, कि भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करा तो ये हो जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देख सकते हैं, पार्स कैसे करना है, आईडी कैसे लेनी है, कंसोल कैसे करना है, वो बेसिक चीजें हैं, बट आपको अपने आप बैठ के यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब देखो इमेज गैलरी हमें बनानी है, इसमें प्लस माइनस होगा, इमेजेस को स्टोर करना होगा, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, काफी चीजें हैं, फॉर्म वैलिडेटर बना सकते हो, कंटेंट स्लाइडर बना सकते हो, ठीक है, कुछ अकॉर्डियन मेमोरी मैचिंग गेम बना सकते हो, है ना, इनसे आपको बहुत ज्यादा बढ़िया चीज देखने को मिलेगी। हम गेम भी निकलवा लेते हैं इससे, तो गेम भी निकाल के दे देगा आपको, एक गेम में बहुत सारी आपको चीजें नई भी सीखने को मिलेंगी। तो अगेन इसको एडवांटेज की तौर पे यूज करना है, राइट? और लेफ्ट साइड में भी जो ये, इसको भी मैं अभी खोल के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बट इसको देख ले, राइट साइड वाले को एक्सप्लेन करता हूँ, बट मेमोरी मैचिंग गेम में देखो ये क्या करेगा, कार्ड्स लेगा, सिलेक्ट करेगा, मैच पेयर करेगा, शफल का फंक्शन बनाया, क्रिएट कार्ड एलिमेंट का फंक्शन बनाया, फ्लिप कार्ड का एलिमेंट का फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन आपको खुद बनाने हैं, दिमाग में बनाओ भाई, मैचिंग कार्ड गेम कैसे, कार्ड है एक को फ्लिप करा, दूसरे को फ्लिप करना है, फिर दोनों को अनफ्लिप कर दो, ठीक है? तो ये देखो क्या कर रहा है, फर्स्ट कार्ड सेकेंड कार्ड को रिमूव कर दिया, अगर फर्स्ट कार्ड की वैल्यू दूसरे की है तो मैच पेयर्स प्लस प्लस, और कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाउंड ऑल पेयर्स, अदरवाइज दोनों को रिमूव कर दो। यही तो होता है मैचिंग कार्ड, दो मैच करने। तो ऐसे आप हजारों गेम भी बना सकते हो, तो छोटे छोटे गेम बना के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट मोटा मोटा मुद्दा यही है कि भैया डॉम वॉम में यही चीजें होती हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ और भी एडवांस लेवल की चीजें होती है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि उन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी चाहिए। ओवर टाइम विद प्रोजेक्ट्स, विद एडवांस टूलिंग, विद एक्सपीरियंस, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने क्या क्या चीजें वहां कर रहे हो, आई थिंक उस पर डिपेंड करता है। यस, थोड़ा बहुत इंटरव्यू रिलेटेड चीजें आपको नीचे दिख जाएंगी, और आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे लिंक में भी लिंक्स भी मिलेंगे, वो एक अलग सेक्शन है। इंटरव्यू रिलेटेड नॉलेज एक अलग होती है, प्रोजेक्ट बनाना प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग चीज है। तो राइट साइड में भी मैं अगर आपको लेके चलता हूँ, देखो तो राइट साइड में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी हो रही है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की, हमने कैनवस वगैरह इनके अंदर इवेंट लिसनर बनाया, इवेंट लिसनर का मतलब है कि भाई इसमें कोई भी इवेंट का चेंज होगा, कुछ भी इसमें इवेंट का चेंज होगा, और इवेंट क्या होगा वो हम पास करेंगे, माउस डाउन होगा, चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो हमें क्या करना है, तो वो हर टाइम पे उसे लिसन करेगा, स्ट्रीम है एक, हर टाइम पे उसे लिसन करेगा, ठीक है? तो कैनवस में क्या है, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये चीजें हो रही हैं उस टाइम पे, पाथ बिगिन हो रहा है, एंड हो रहा है, बिगिन हो रहा है, एंड हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है बेसिकली कैनवस के ऊपर। तो ये चीजें आप यहाँ से सीखोगे, ये किसी भी कोर्स में आपको कोई कैनवस नहीं सिखाने वाला अलग से, ये तभी सीखोगे जब आप चैट जीपीटी पे लिखोगे कि मेरे को एक कैनवस की सिग्नेचर ऐप बनानी है। तो सेव बटन पे क्या होगा, सेव बटन पे किस तरीके से एलिमेंट आईडी लेनी है, इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, इमेज कैसे बनेगी, बहुत सारी, अगेन इसमें लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है सीखने का, और इससे आप एक पूरी फिनिश एप्लीकेशन ऐसी बना सकते हो बहुत आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड चैट जीपीटी से भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट, गेम्स, कैनवस बेस्ड ऐप्स, लिसनर्स, टू डूज, वेदर, आप कुछ भी बनाए, आपको इससे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो होपफुली इससे आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज भी आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी, डॉम रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप वो सीख पाएंगे, फॉर्म्स, इनपुट्स, लिसनर्स, कैनवस, एलिमेंट्स, रिमूविंग, हाइडिंग, शोइंग, सारा कुछ आप इससे सीख लोगे। स्वागत है जी आपका पार्ट 6 के अंदर, जिसमें हम चैट जीपीटी के प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, चैट जीपीटी को कैसे एडवांटेज में लेना है, चैट जीपीटी से कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, बहुत सारी हेल्प ले सकते हो। होपफुली आपको सीरीज में मजा आ रहा होगा, होपफुली आपने 5 वीडियो देख ली होंगी। फुल स्टैक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ फायरबेस ई कॉमर्स की, किस तरीके से बनवानी है, फुल
फुल स्टैक आपका मतलब है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों है, डेटाबेस है, सर्वर है, फ्रंट एंड है। नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हो तो सर्वर और फ्रंट एंड दोनों साथ साथ काम करता है, बैक एंड फ्रंट एंड का एक साथ। आप एक फाइल में कोड लिख सकते हो स्लैश एपीआई फोल्डर के अंदर, तो उसको यूज करो अगर आपको क्विकली ऐप बनानी है। बहुत ज्यादा कोई लर्निंग कर्व नहीं है, सिंपल सही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है कि आप फायरबेस यूज करो। उसका रीजन है कि फायरबेस बहुत जल्दी चीजें बना देता है, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, कोई आपको सर्वर फंक्शन चाहिए, कोई आपको क्विकली शॉपिफाई कोई भी प्लगइन डालना है, वो आपको आसानी से फायरबेस दे देगा। तो किस तरीके से लेके जाएंगे हम चीजों को, देखो क्विकली क्विक वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, तो आप सिंपली बताएंगे उसे कि क्या ई कॉमर्स स्टोर चाहिए। उसका मॉडलिंग आप मेरे को दो, डमी डेटा आप मांग सकते हो, रिलेशनल फॉर्म में मांग सकते हो, फायर स्टोर के फॉर्म में मांग सकते हो। फ्रंट एंड के बारे में बात करो कि मेरे को फ्रंट एंड का कोड तो फेच करवाओ पहले, सिंपल कि मेरे को सारी बुक्स आप दिखाओ। सारी बुक्स जब आप दिखा दोगे उसके बाद में भी एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म में मैं इनपुट डालूंगा, उसके बाद फॉर्म को फायरबेस से कनेक्ट करो। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लो, 10-12 आप चेन करनी पड़ेंगे आपको प्रॉम्प्ट, तब जाके एक अच्छा आउटपुट आएगा। तो सेपरेट पेज बना सकते हो, इमेज चेक करवा सकते हो, मैनेजर के रोल्स आ सकते हो, ऑथेंटिकेशन के रोल्स आ सकते हो, सबको सीख सकते हो आप। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखो क्रिएट टेबल ऐसे हो जाएगी फायरबेस में, अगर आप बोलोगे रिलेशनल फॉर्म में तो ऐसे दे देगा आपको, ठीक है। सीक्वल नो सीक्वल सारा कुछ करवा सकते हो, फायरबेस स्टोर में कलेक्शन डॉक्यूमेंट आपको देगा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिंक मैं कर देता हूँ नीचे, इसको चेक करो, प्रॉम्प्ट्स वगैरह चेक करो। बट अगेन फुल स्टैक एप्लीकेशन मैंने बना दी है, तो क्विक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, किस तरीके से कर सकते हो, इमेज वगैरह सब कर सकते हो, सुपा बेस, अमेजोन S3 बकेट्स आपको करनी है, कुछ और आपका करने का मन है आप सब कर सकते हो। GPT-4 से आप यहाँ लिखवा सकते हो कि मेरे को लेट से कुछ और आपको प्रिज्मा वगैरह यूज करना है, या मैं कहता हूँ कि फायरबेस के अंदर ऑथ यूज करना है, तो फायरबेस ऑथ विद रियक्ट, ठीक है, विद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फायरबेस ऑथ विद रियक्ट, तो ये ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल दे देगा। अब इस चीज को आपको लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करना है, आप कर सकते हो हर तरीके से, तो ये भी आप यहाँ से सीख सकते हो, इसमें भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। तो इस चीज को भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ये लेगा बट आप इस तरीके से बना के चेक करो। फायरबेस ऑथ वगैरह ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो अगेन ये नीचे लिंक कर रहा हूँ, देख लीजिए इसे, पार्ट 6 को एंजॉय करें, हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। मैं इसमें आपको क्विकली बताता हूँ कि पाइथन की जो ताकत है ना, उसको आप रियलाइज करो इस माध्यम से। अगर आप इस चीज कोर्स में देख रहे हो तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि इसको एक्सप्लोरेशन मोड में डाल दीजिए। पाइथन से आप कुछ भी कर सकते हो, आप देख रहे हो नीचे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, ईमेल्स, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट काटनी है, इमेजेस, वेबकैम, चीजें, कुछ भी जो वर्ल्ड में हो रहा है सॉफ्टवेयर की दुनिया में वो पाइथन से हो सकता है। बैक एंड फ्रंट एंड सब हो सकता है। आपको फ्रंट एंड बनाना है, देखो फ्रंट एंड विद पाइथन आप बना सकते हो। आप ये बताओ फ्रंट एंड वेब डेव ट्यूटोरियल आप बना सकते हो, फ्लास्क के ऊपर बिल्ड हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पाइथन में फ्रेमवर्क्स आते हैं जो आप यूज कर सकते हो, एनविल यूज कर सकते हो, ठीक है, एनविल यूज कर लो, तो एनविल आप यूज करो, वेब एप्स बट नथिंग बट पाइथन यूज कर सकते हो। मैं रेकमेंड ही करूंगा HTML से, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट से आप फ्रंट एंड बनाइए अपना, बट ये कर सकते हो। फ्लास्क आपको सीखनी है जिससे बैक एंड बनता है, तो फ्लास्क को ना लो, फ्लास्क से बैक एंड बनेगा। बैक एंड क्या होता है, एक एप्लीकेशन, अगर आप बिगनर हैं, एक एप्लीकेशन का बैकएंड होता है, फ्रंट एंड होता है, सर्वर होता है, सर्वर भी बैकएंड का पार्ट होता है। बैकएंड का मतलब जहाँ पे आपने डेटा स्टोर करा है, जहाँ पे जो दिखने वाला पार्ट है वो फ्रंट एंड है, जो दिख रहा है अभी आपको सामने ये फ्रंट एंड है, बट जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो कॉल्स हो रही है वो कहाँ से हो रही है, डेटा को कैसे लाया जा रहा है, ऑथेंटिकेशन कहाँ पे हो रही है। भाई फ्रंट एंड का तो सिर्फ काम है दिखाना। अब मैंने यहाँ साइन इन करा, तो साइन इन का क्या मतलब है, साइन इन का मतलब ये थोड़ी है कि बस यूजर नेम और पासवर्ड लिखा और हम कहीं उसको फेंक दिया उसने, उसका मतलब ये उसने सर्वर पे ऑथेंटिकेट करा, चेक करा कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके बाद उसने हमें अलाउ करी, जब एंट्री अलाउ करी उसके बाद वो चेक करता है कि भाई ये सही यूजर है कि नहीं, हर बार जब हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं। जब आप वेब डेव का कोई कोर्स ले लेंगे, मर्न स्टैक या फिर नेक्स्ट ईयर का आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, उसमें आप चेक करोगे सब कुछ एक्सप्लेन है फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पाइथन से एक्सप्लोरेशन की दुनिया कैसे आसान होती है। तो फ्लास्क के अगेन ChatGPT पे भी आप लिख सकते हो, फ्लास्क वगैरह मेरे को सिखाएं। फ्लास्क में भी कुछ नहीं होता, एक सर्वर बनता है सिंपल सा, सर्वर के अंदर राउटिंग होती है, उस राउटिंग में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को आप ईमेल्स भेजनी है पाइथन से। ईमेल्स कैसे भेजोगे, ChatGPT पे डाल दो, ये आपको सर्वर आपको कोड लिख के दे देगा कि SMTP करके एक आपका प्रोटोकॉल होता है लाइब्रेरी, उसको कैसे यूज करना है, ईमेल्स कैसे भेजनी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करोगे मैसेज आपका चला जाएगा। तो आप ईमेल्स भी भेज सकते हो,
समझ लो आपको एक एक्सप्लोरेशन मोड में जाना पड़ेगा, राइट। वीडियोस, इमेजेस कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वेब स्क्रैपिंग बताता हूँ। अब देखो वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन लिखोगे ना तो ऑनलाइन आपको ये देखो कुछ कुछ मिलेगा realpython.com पे, यहाँ से भी आप देख सकते हो। बट आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। चैट जीपीटी क्यों है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे? चैट जीपीटी यहाँ पे इसलिए स्ट्रॉन्ग है, 3.5 चलाते हैं, क्यों? क्योंकि पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है, बहुत पुरानी है, ठीक है। हाउ टू स्क्रेप, विकीपीडिया लिखते हैं, विकीपीडिया विद पाइथन। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ब्यूटीफुल सूप, सेलेनियम। लाइब्रेरीज का मतलब वैसे होता है उनके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बस हम वहां से उठा रहे हैं। हम वहां से उठाएंगे ब्यूटीफुल सूप से, हमने कुछ कुछ उठाया, यूआरएल डाला, यूआरएल का क्या करा, रिक्वेस्ट से एक गेट रिक्वेस्ट मारी यूआरएल की, सूप हमारे पास आ गया। सूप का हमने कॉन्टेंट में डिवाइड कर लिया कि भाई इस पेज पे ये कॉन्टेंट है, इस पेज पे कॉन्टेंट है, इस पेज पे कॉन्टेंट है, एंड देन हम वहां से चीजें कर रहे हैं। अगेन इसके लिए आप बेसिक पहली 10 वीडियोस देख लें, उसके बाद यहाँ पे जंप करें, एकदम जंप करने का फायदा नहीं है। अगर आपको बेसिक पाइथन नहीं आती तो इस चीज का फायदा नहीं है। HTML से जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं आप, इसके बाद उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि कितना आसान है। आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हो, आप वेब डेव का भी काम कर सकते हो, आप सर्वर का भी काम कर सकते हो, आप फ्लास्क की आप भी बना सकते हो। आपको टाइम स्टैम्प्स का कुछ करना है तो लेफ्ट में देखो, अगर हमारे पास एक वीडियो है, वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स हैं, ऐसे देखो ये हमारी वीडियो के टाइम स्टैम्प्स हैं, राइट। कि हमने पहले पे बोला, सेटअप बोला, कमेंट बोला, वेरिएबल बोला, फलाना ढमकाना, ये सब बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेंज के अंदर। रेंज को हम कैसे, रेंज को हम क्या करेंगे, FFmpeg से डिवाइड कर देंगे कि फर्स्ट रेंज, सेकेंड रेंज, थर्ड रेंज, और हमारे पास एंड में क्या आएगा, सारी सेगमेंट्स को प्रोसेस हो जाएगी। ये वीडियो कटिंग की ऐप है, हमें वीडियो स्प्लिट करनी है, वीडियो का कुछ करना है, राइट। यूनिक ऐप्स और भी बना सकते हो आप, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोस विद पाइथन। ये देखो आप, ये आपको बताएगा अभी सारा कुछ। पुलिस आ गई है शायद बाहर, बट एनीवेज पुलिस से हमें डरे, हम नहीं डरेंगे, हम पाइथन को सीखेंगे। और ये देखो आप, ये क्या करेगा, ब्यूटीफुल सूप डाउनलोड करेगा, कोई ना कोई रिक्वेस्ट कॉल करेगा जिससे आपका इंस्टाग्राम की API कॉल होगी एंड हमें उस वीडियो का आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर बनाओ, इंस्टा वीडियो डाउनलोडर बनाओ, कितनी सारी चीजें, हजारों चीजें, हजारों चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। गिव मी 2015 प्रोजेक्ट आइडियाज दैट कैन बी मेड विद पाइथन। 15 की जगह सिर्फ 35 कर देते हैं लोग, ठीक है, 35 आइडियाज देते हैं इनके पास। ये बताएगा देखो, टू डू बना सको, वेब स्क्रेपर, वेदर ऐप, चैट ऐप, ब्लॉग CMS, ब्लॉग ऐप बना सकते हो बहुत आसानी से, एक्सपेंस ट्रैकर, ऐसे कुछ भी आपका मन करे आप बनाओ, बैठो और बनाओ, बैठो और बनाओ, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत आती है हमें को DM करो, कोई भी दिक्कत आती है कि भाई ये मैंने बनाया है मेरे को टैग करो, मेरे को पोस्ट पे बताओ, मेरे को आप एक्सप्लेन करो, है ना, मुझे आप बताओ कि मैं ये आजकल ऐप्स बना रहा हूँ। बट अगेन सीखने का तरीका तभी मजा आएगा जब आप इसे एक्सप्लोर करोगे। कोर्स आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बट अब टाइम है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है जी। तो एंजॉय करें कोर्स को, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।